अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्ट्स, लेकिन स्ट्रक्ट्स देखने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक चीज़ के बारे में तो आपको पहले से ही पता है, एक चीज़ के बारे में आपको मैं बताऊंगा। आपको जिस चीज़ के बारे में पता है वो है बिल्ट इन डेटा टाइप्स। बिल्ट इन डेटा टाइप्स क्या होती हैं? जैसे हमने पहले बहुत सारी बिल्ट इन डेटा टाइप्स यूज़ किए हैं, i32, कैरेक्टर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सारी बिल्ट इन डेटा टाइप्स थी। अच्छा, बिल्ट इन डेटा टाइप्स से जो प्रोग्रामर अपना काम करता है वो तो जो नॉर्मल अपना रूटीन में काम है वो होता रहता है, लेकिन कोई ऐसे काम होते हैं जो के कॉम्प्लेक्स होते हैं या जो स्ट्रक्चर्ड वे में हमें करने होते हैं, या कोई ऐसे काम जो बहुत जो है सेग्रीगेटेड होते हैं, उनको हमें एक जगह बंद करके करना पड़ता है। तो इसके लिए हमारे पास बिल्ट इन डेटा टाइप्स के अलावा क्या हमें लैंग्वेज प्रोवाइड करती है? अपनी कस्टम डेटा टाइप, यानी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं, या तो इसको कस्टम डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं। ये क्या होता है? ये होता है कि हम अपनी डेटा टाइप बना लेंगे। जिस तरीके से i32 है और कैरेक्टर है, फ्लोट है, ये हमें लैंग्वेज ने दिए हैं, हम अपनी एक और नई डेटा टाइप बना लेंगे। किस तरीके से बनाएंगे? हमें लैंग्वेज सर्टेन कीवर्ड्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट के अलावा और भी वर्ड्स प्रोवाइड करती है जिसके जिसकी मदद से हम अपनी डेटा टाइप्स बनाते हैं। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली स्ट्रक्ट को देखेंगे। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी? यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि प्रोग्रामर को कोई ऐसे काम करने पड़ते हैं जो कि हमारे पास बिल्ट इन डेटा टाइप से नहीं होते, तो हमें यूज़र डेटा टाइप डिफाइन करनी पड़ती है। और प्रोग्रामर इनको इसलिए डिफाइन करता है ताकि उसकी ईज हो सके, उसको ईज़ मिल सके। अच्छा, हम देखते हैं कि अगर हम अपनी डेटा टाइप डिफाइन ना करें और उन डेटा टाइप पे काम करें जो कि हमें लैंग्वेज ने प्रोवाइड किए, तो उससे देखते हैं कि मसला क्या आ रहा होगा। लेट सपोज़ कि एक ऐसी हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक बुक है और उस बुक के करस्पॉन्डेंस मुझे चार चीज़ें स्टोर करानी है। पहली चीज़ क्या? पहला, बुक का नेम। दूसरी चीज़ क्या? बुक का ऑथर। तीसरी चीज़ क्या? बुक की प्राइस। और चौथी चीज़ क्या? बुक की अवेलेबिलिटी, आइदर के वो अवेलेबल है भी या नहीं। तो ये चार चीज़ें हैं। अच्छा, अगर एक बुक होगी तो मैं चार वेरिएबल्स बना लूँगा, एक नेम का, एक ऑथर का, एक प्राइस का और एक अवेलेबिलिटी का, और उसमें स्टोर करा दूँगा। जैसे बुक ए, ऑथर उसका ऑथर ए, और उसकी प्राइस लेट से $5, और उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो ट्रू यानी यस। तो ये तो मैंने एक बुक के लिहाज से स्टोर करा दिया। अब लेट सपोज़ कि मेरे पास 10 बुक्स हैं, 100 बुक्स हो गई, 1000 बुक्स हो गई, तो अब मैं कितने वेरिएबल्स बनाते रहूँगा? मेरे पास एक बुक के लिए 4 वेरिएबल्स बन रहे थे, तो 100 बुक्स के लिए कितने वेरिएबल्स बन जाएंगे? 400। तो ये इतने सारे वेरिएबल्स मैं अपने प्रोग्राम में संभालूंगा कैसे? हम एक इसकी एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं कि इससे क्या क्या एरर्स आ सकते हैं, क्या क्या प्रोग्रामर एरर कर सकता है, क्योंकि ये बहुत अनस्ट्रक्चर्ड है ना कि मुझे 400 बुक्स स्टोर करवानी है, का 400 बुक्स का डेटा स्टोर करवाना है, और वो मैं इनको एक ही चार चार वेरिएबल्स बनाना पड़े मुझे एक बुक के लिए। तो इसको एग्जांपल में देखते हैं। जैसे हमने बुक 1 की 4 चीज़ें बनाई, बुक ए, ऑथर उसका ऑथर, उसकी प्राइस, और वो अवेलेबल है यानी ये 1 है। बुक 1 का नेम, बुक 1 का ऑथर, बुक 1 की प्राइस, और बुक 1 अवेलेबल है या नहीं। इस तरीके से हमने बुक 2 के लिए भी करा, इस तरीके से हम बुक 3 के लिए भी करेंगे, इस तरीके से हम अपनी 100 बुक्स के लिए करेंगे। तो अगर लेट सपोज के प्रोग्रामर ये कर दे वो बुक 1 का नेम प्रिंट कराना चाहे और बुक 1 का ऑथर प्रिंट कराना चाहे, लेकिन समहाउ वो बुक 2 का ऑथर प्रिंट करा दे, तो अब मेरे पास बुक ए प्रिंट हो रही है और ऑथर बी प्रिंट हो रहा है। यानी अब सिर्फ 3 बुक्स का डेटा था, लेकिन हमारे पास ये गलती हो सकती है, प्रोग्रामर ये गलती कर सकता है, क्योंकि अब इतने सारे वेरिएबल्स का कहाँ तक अपने माइंड में डेटा रखेगा? तो ये तो बड़ा अनस्ट्रक्चर्ड काम है। इस मसले को हमारा हल करता है क्या चीज़? यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्ट हमारी किस तरीके से हेल्प करता है। हम अपना एक स्ट्रक्ट बनाते हैं, यानी हम एक अपनी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बनाते हैं। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का नाम क्या रखेंगे? हम नाम रखेंगे बुक। क्यों बुक रखेंगे नाम? क्योंकि हमें उसमें बुक के रिस्पेक्ट से डेटा स्टोर कराना है। जिस तरीके से हमारे पास जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स होती हैं वो i32 होती है। अब यहाँ पर हम यूज़र डेटा टाइप बना रहे हैं बुक, यानी i32 इज़ द टाइप
विच द लैंग्वेज गिव्स अस, और बुक वो टाइप है जो हम खुद बना रहे हैं. बुक एक डेटा टाइप है, और डेटा टाइप किसकी मदद से बन रही है, स्ट्रक्ट कीवर्ड की मदद से बन रही है. तो करते हैं, सबसे पहले हम एक यहाँ पे लाइन लिखेंगे. इस लाइन को हम डिटेल में तो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सिर्फ अभी के लिए हमारे पास जो डिस्प्ले का ट्रेड होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम ये लाइन लिखेंगे. आगे ट्रेड जब पढ़ेंगे तब इस लाइन को डिटेल में डिस्कस करेंगे. स्ट्रक्ट लिखा और बुक की डेटा टाइप बना दी. यहाँ पे बुक का नेम आएगा जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा. यहाँ पे बुक का ऑथर आएगा जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा. यहाँ पे बुक की प्राइस आएगी, उसको हम लिख लेते हैं U16. और यहाँ पे अवेलेबिलिटी आएगी, तो उसको हम ले लेते हैं बोलिए. स्ट्रक्ट का कीवर्ड है, स्ट्रक्ट के कीवर्ड के बाद बुक है जो कि हमारी डेटा टाइप है. उस बुक के बाद दो कर्ली ब्रेसेस लगे हुए हैं. कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारे पास की वैल्यू पेयर्स हैं. की मेरे पास लेट सपोज नेम, और वैल्यू मेरे पास अभी जब मैं इसको इनिशियलाइज करूँगा तब मैं इसमें वैल्यू डालूँगा, लेकिन अभी मेरे पास क्या है, उस वैल्यू की डेटा टाइप. तो की वैल्यू पेयर्स होते हैं, और इन की वैल्यू पेयर्स को मैं क्या कहता हूँ, फील्ड्स. अच्छा, यहाँ एक बात याद रहे कि हमारे पास टपल और स्ट्रक्ट काफ़ी सिमिलर है, लेकिन टपल में क्या होता था, टपल में मेरे पास की नहीं होती थी, सिर्फ वैल्यू होती थी. यानी अगर मैं कोई स्टूडेंट का डेटा सेव करा रहा हूँ तो मैं क्या करता था, उसका ग्रेड लिखता था, उसका जो है उसकी परसेंटेज लिखता था, और उसकी एज लिखता था. अब जब मैं ग्रेड लिख रहा हूँ तो मैं ये नहीं लिख रहा GRADE इज इक्वल टू ए, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ ए. अब मुझे खुद पता है कि भाई ये ए जो है डिनोट कर रहा है ग्रेड को, लेकिन स्ट्रक्ट में ऐसा नहीं है. स्ट्रक्ट में मेरे पास की है ग्रेड, और उसका जो ग्रेड यानी ए जो है वो इसकी वैल्यू है. तो स्ट्रक्ट और टपल में ये डिफरेंस है कि टपल में हमारे पास की नहीं होती, सिर्फ वैल्यू होती है, और स्ट्रक्ट में हमारे पास की भी होती है और वैल्यू भी होती है, जिसको हम कहते हैं फील्ड. इसको हम कहते हैं फील्ड. अब ये जो हमने डिफाइन किया ना यहाँ पे, सिर्फ ये एक टेम्पलेट है, यानी सिर्फ एक डेफिनेशन है. अब हम इसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, इसमें वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे. अभी तो हमने सिर्फ बना के रख दिया, इसको यूज़ नहीं किया. तो अब देखते हैं हम इसका इंस्टेंस कैसे बनाएंगे. ये हमारे पास सिर्फ एक टेम्पलेट कह लीजिए, और यहाँ पे हम इसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं. लिखते हैं लेट बुक वन इक्वल्स टू बुक. अच्छा, ये सिंटैक्स है. सिंटैक्स क्या है कि हमारा ये इंस्टेंस है यानी हमारे वेरिएबल का नाम, और ये हमारे पास इसकी डेटा टाइप है. यानी हमारे डेटा टाइप क्या है, बुक, और हमारा वेरिएबल या इंस्टेंस क्या है, बुक वन. तो अब हम नेम लिखेंगे इस बुक वन ने. बुक वन का नेम क्या है, बुक वन का नेम लेट सपोज हम बुक ए कह देते हैं इधर. और इसका ऑथर क्या है, ऑथर ए कह देते हैं इसको. इसकी प्राइस 500, और इसकी अवेलेबिलिटी ट्रू. और याद रहे हमें सेमी कॉलन लगाना है, क्योंकि ये कहाँ रिटर्न होगा, ये रिटर्न होगा बुक में. पूरी स्टेटमेंट है, और ये कहाँ पे स्टोर होगी, जाके बुक वन के वेरिएबल में. हमने ऊपर टेम्पलेट डिफाइन किया हुआ है, अपनी डेफिनेशन डिफाइन की हुई है स्ट्रक्ट की, और नीचे हमने आके उसको इनिशियलाइज कर दिया है. अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं, लेकिन प्रिंट कराने से पहले हम एक और इंस्टेंस बनाते हैं ताकि हमें यूज़ केस का पता चले. बुक टू करता हूँ इसको मैं, और इसको बुक बी कर देता हूँ, और इसको ऑथर बी कर देता हूँ. इसकी प्राइस 600 कर देता हूँ. अब हम प्रिंट कर लेते हैं.
हम इसमें प्रीटी प्रिंटिंग करेंगे और यहाँ लिख देंगे बुक वन और यहाँ पे बुक टू प्रिंट कर लेते हैं। इसको यहाँ पे अपने कंसोल पे प्रिंट कर लेते हैं। तो बुक वन में क्या हमारे पास प्रिंट हुआ, बुक ए ऑथर ए और प्राइस 500, अवेलेबिलिटी ट्रू। और बुक टू में हमारे पास प्रिंट हुआ, बुक बी ऑथर बी प्राइस 600 और ट्रू। तो अब ये जो हमारा कोड है ये पहले वाले कोड से वेल डिफाइंड है, वेल स्ट्रक्चर्ड है। अब हमारे पास प्रोग्रामर गलती नहीं कर सकता, अगर वो बुक वन को प्रिंट कराना चाहे तो बुक वन के सारे एलिमेंट्स प्रिंट होंगे और बुक टू को प्रिंट कराना चाहे तो बुक टू के सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि मिसमैचिंग नहीं होगी कि बुक वन का डेटा बुक टू के डेटा से कोलाइड कर रहा है और एम्बिगिटी आ रही है और हमारे पास गलत रिजल्ट्स आ रहे हैं, यानी बुक वन का डेटा मिला हुआ है बुक टू के डेटा से, ऐसा नहीं है। अब हमारे पास वेल स्ट्रक्चर्ड है और हम देख रहे हैं कि हमने किस तरीके से किया। अगर मुझे किसी इंस्टेंस से कोई भी फील्ड चेंज करनी है, यानी कोई भी फील्ड एक्सेस करनी है, तो मैं किस तरीके से करूँगा, मैं अपने इंस्टेंस को म्यूटेबल करूँगा और म्यूटेबल करने के बाद मैं उस फील्ड को, जिस फील्ड को चेंज करना चाह रहा हूँ, उस फील्ड को चेंज कर दूँगा। हम सिंटैक्स बाद में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात ये कि जब भी मैं कोई इंस्टेंस म्यूटेबल करूँगा, यानी जैसे मुझे बुक वन म्यूटेबल बनाना है तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन मैं कोई स्पेसिफिक फील्ड को म्यूटेबल नहीं कर सकता। यानी मैं सिर्फ नेम को म्यूटेबल कर दूँ और बाकी जो अवेलेबिलिटी है और प्राइस है और ऑथर है उसको मैं ऐसे ही रहने दूँ, ये नहीं हो सकता। सिर्फ स्पेसिफिक फील्ड म्यूटेबल नहीं होगी, पूरा अगर हमें म्यूटेबल बनाना है तो पूरे इंस्टेंस को म्यूटेबल बनाना ज़रूरी है। हमने यहाँ पे म्यूटेबल इंस्टेंस बनाया हुआ है बुक का और उसके बाद हम क्या करेंगे, बुक वन नेम और इसका नेम जो है हम चेंज कर देंगे बुक ए। अब हम जब प्रिंट कराएंगे इसको यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आएगा, नेम इज़ बुक ए ए, इससे पहले बुक ए था अब लेकिन हमने चेंज कर दिए तो बुक ए है। हमने देखा कि किस तरीके से हमने एक वैल्यू चेंज करी। अच्छा, ये बात ध्यान में रहे कि जैसे हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ अपना अपनी डेटा टाइप को स्ट्रक्ट बुक और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने फील्ड रखी हुई है, तो अब जो फील्ड्स हैं वो एक ऑर्डर में, अब जब मैं उनका इंस्टेंस बना रहा हूँ तब मैं उस फील्ड को भी ऑर्डर वाइज लिख रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर मेरी डेफिनेशन में नेम सबसे पहले लेकिन मैं इनिशियलाइज़ करते हुए सबसे आखिर में लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सही आएगा। इसका कोड करके देखते हैं। जैसे ऑथर मेरे पास डेफिनेशन में सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है और इनिशियलाइजिंग करते वक्त मैंने सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, लेकिन अब मैं इसको चेंज करके लास्ट पर ले आऊँ और फिर इसको रन करूँ तो मेरे पास रिज़ल्ट सही आ रहा है। यानी हमने देखा कि अगर ऑर्डर भी चेंज कर दिया जाए अपनी इनिशियलाइजेशन में तब भी हमारे पास रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं आता, हमारे पास रिज़ल्ट सही आता है। तो हमने क्या देखा कि स्ट्रक्ट इसलिए यूज़ होता है ताकि एक कलेक्टिवली एक डेटा को अपने अंदर इनकैप्सुलेट कर सके, रख सके और उस डेटा को एक टैग दे सके। जैसे हमने बुक का नाम दिया है, बुक का जो हमारे पास नाम है उसमें उसी के करस्पॉन्ड डेटा, यानी उसका नेम ऑथर वगैरह सारी चीज़ें। तो स्ट्रक्ट हमारे पास कलेक्टिव डेटा जो कि आपस में लिंक हो रहा होता है उनको सिमिलर नाम देने के लिए यूज़ होता है। अभी तक हमने देखा कि हमने एफ एन मेन के अंदर, यानी मेन के फंक्शन के अंदर अपनी डेटा टाइप का इंस्टेंस बनाया, हमारी डेटा टाइप बुक और उसका इंस्टेंस बुक वन। ये हमने कहाँ बनाया, हमने मेन में बनाया। अब हम चलते हैं किसी दूसरे फंक्शन में बनाते हैं और इसको मेन में रिटर्न कराते हैं, यानी अपने इंस्टेंस किसी दूसरे फंक्शन में क्रिएट करते हैं और उस इंस्टेंस को एफ एन मेन में रिटर्न कर देते हैं। तो अपने फंक्शन बनाते हैं।
हम फंक्शन बनाते हैं बिल्ड के नाम से, और ये दो चीज़ें एक्सपेक्ट करेगा, एक नेम एक्सपेक्ट करेगा बुक का, स्ट्रिंग फॉर्म में होगा, और ऑथर एक्सपेक्ट करेगा जो भी स्ट्रिंग फॉर्म में है, और ये रिटर्न क्या करेगा। हर फंक्शन कोई ना कोई डेटा टाइप रिटर्न करता है। हमने इससे पहले देखा कि हमने कभी F64 रिटर्न किया, कभी U32 रिटर्न किया, कभी स्ट्रिंग रिटर्न किया। तो अब ये सारी चीज़ें क्या थी, स्ट्रिंग, U32, F64, ये हमारे पास थी बिल्ट इन डेटा टाइप्स, जो हम हमेशा कोई डेटा टाइप रिटर्न करते हैं। तो इसमें हमारी कस्टम या हमारी जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, जैसे कि बुक, इट्स अ डेटा टाइप, तो हम इसमें बुक रिटर्न करेंगे। बुक जो डेटा टाइप है वो रिटर्न करेंगे, हम यहाँ बुक रिटर्न करेंगे। यहाँ पे हम बुक लिखेंगे, बुक लिखने के बाद हम इसमें नेम, जो हमारे पास नेम आएगा वो हम नेम इसमें रख देंगे। अच्छा, जो हमारा ऑथर है, जो हमारे पास इस फंक्शन के पैरामीटर में ऑथर आएगा, हम ऑथर वाली फील्ड में, वो हम ऑथर वाली की में रख देंगे। अच्छा, प्राइस हम इसकी स्टैटिक रख देते हैं 500, और अवेलेबिलिटी इसकी ट्रू रख देते हैं। और इस फंक्शन को यहाँ पे कर लेते हैं कॉल, लेट बुक वन इक्वल्स टू बिल्ड। बिल्ड का फंक्शन कौन से दो पैरामीटर ले रहा है, एक हमारे पास नेम का स्ट्रिंग ले रहा है, एक हमारे पास नेम ले रहा है, और एक हमारे पास ऑथर ले रहा है। और दोनों की डेटा टाइप क्या है, दोनों की डेटा टाइप है स्ट्रिंग। तो इसको हम सबसे पहले देते हैं स्ट्रिंग, फ्रॉम नेम क्या दें हम, बुक ए दे देते हैं, और ऑथर क्या दें, बुक ऑथर ए दे देते हैं इसको। और यहाँ पे हम बुक वन को प्रिंट करा लेंगे। इसको रन करके देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो हमारे पास बुक ए प्रिंट हुआ, ऑथर ए प्रिंट हुआ, और उसकी जो हमने स्टैटिक वैल्यूज रखी थी यानी 500 और ट्रू, वो प्रिंट हुई। तो अब हुआ क्या, ये हम कोड में लाइन बाय लाइन जाके देखते हैं। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया एफ एन बिल्ड के नाम से, और वो रिटर्न कर रहा है डेटा टाइप जो कि बुक है। और यहाँ पे हमने ये एक्सप्रेशन लिखी है, जो कि हमने सबसे पहले डेटा टाइप का नाम लिखा है अपनी बुक, और उसकी फील्ड क्या है, ये जो पहला नेम है, ये जो टेम्पलेट में हमने ऊपर डेफिनेशन में जो हमने नेम लिखा है ना, ये वो नेम है। और जो कॉलन के बाद नेम लिखा हुआ है, ये हमारे पास है वेरिएबल का नेम, यानी जो हमने पैरामीटर पास किया है ये उसका नेम है। तो अब ऑथर जो है, सिमिलरली इसी तरीके से पहला वाला जो ऑथर लिखा हुआ है कॉलन से पहले, ये क्या है, ये जो डेफिनेशन में हमने की लिखी हुई है, ये वो वाला ऑथर है। और जो कॉलन के बाद ऑथर लिखा हुआ है, ये वो ऑथर है जो पैरामीटर से पास हो रहा है। और हमने प्राइस और अवेलेबिलिटी तो स्टैटिक रखी हुई है। अब जब पैरामीटर में हमारे पास बुक ए आके लाए हुआ, और हमारे पास पैरामीटर में ऑथर ए आके लाए हुआ, वो दोनों कहाँ चले गए, वो दोनों किसकी वैल्यू बन गए, की वैल्यू बन गए। की क्या था, नेम था हमारे पास की, और उसकी वैल्यू क्या हो गई, अब जो नेम के वेरिएबल में वैल्यू आई थी, नेम के वेरिएबल में क्या वैल्यू आई थी, बुक ए। बुक ए कहाँ चली गई, हमारे पास नेम की में। और ऑथर ए जो हमारे पास पैरामीटर में आया था, वो कहाँ चला गया, ऑथर की में। यानी नेम की जो हमारे पास वैल्यू बन गई, वो बन गई बुक ए, और जो हमारे पास ऑथर की वैल्यू बन गई, वो बन गई ऑथर ए। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि इसमें हम और सर्टेन अमेंडमेंट्स क्या कर सकते हैं।
जैसे कि आपने देखा कि हमें जो है दो नेम लिखने पड़ रहे हैं, यानी यहाँ नेम नेम रिडंडेंसी हो रही है, ऑथर ऑथर रिडंडेंसी हो रही है। तो अगर तो हमारे फील्ड नेम यानी जो फील्ड में हमने नेम डिक्लेयर किए हैं वो सेम है किससे, जो हमारे पैरामीटर का नेम है फंक्शन में। जैसे हमारा पैरामीटर में क्या हमने नेम सेंड किया, हमने नेम सेंड किया और हमने कॉमा देके क्या लिखा, ऑथर लिखा। अच्छा, नेम और ऑथर ये दोनों सिमिलर थे कहाँ पे, ऊपर जो हमने डिफाइन किया था स्ट्रक्ट अपना, हमने यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप अपनी डिफाइन की थी, उसमें भी ये दोनों सेम थे और पैरामीटर में भी ये दोनों सेम थे। तो अब हमें रस प्रोवाइड करता है शॉर्ट हैंड, इसको कहते हैं शॉर्ट हैंड। तो अब हमें दो दो दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे, कोड में देखते हैं कि किस तरह दिखता है। हम यहाँ से नेम रिमूव करेंगे और यहाँ नेम लिख देंगे, यहाँ से ऑथर रिमूव करेंगे और ऑथर लिख देंगे। ये रस्ट की हमारे पास एक सिंथेटिक शुगर या हमारा काम आसान करने के लिए ऐसा सिंटेक्स है जिसको कहते हैं शॉर्ट हैंड सिंटेक्स, जो हमारे पास आसानी कर देता है और कन्फ्यूजन्स दूर कर देता है। लेकिन इसके लिए एक बात याद रहे कि हमारे फील्ड के नेम और हमारे पैरामीटर्स के नेम सेम होने चाहिए। इसको अब हम रन करके देखते हैं और अपना रिजल्ट चेक करते हैं। हमारे पास बुक ए प्रिंट हुई, ऑथर ए प्रिंट हुआ, 500 और ट्रू प्रिंट हुआ। हमने चेंजेस भी की कोड में और हमने देखा कि कोड अब कितना सिंप्लीफाई हो गया है पहले से। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्ट अपडेट सिंटेक्स के बारे में। अगर हमारे पास एक इंस्टेंस है, जैसे बुक वन था उसमें हमने सारी फील्ड को इनिशलाइज करा हुआ था, अब हम दूसरा इंस्टेंस बना रहे हैं बुक टू, लेकिन बुक टू में सर्टेन ऐसी हमारे पास कीज़ हैं जिनकी वैल्यू जो है वो सेम है किससे, बुक वन वाले इंस्टेंस से। यानी बुक वन की जो प्राइस है वही बुक टू की भी है, बुक टू की जो बुक वन की जो अवेलेबिलिटी है वो बुक टू की भी है। तो हम ये इसको कोड में किस तरीके से करेंगे तो इसको देखते हैं। हम सबसे पहले अपना इंस्टेंस बनाते हैं बुक टू के नेम से और इसका नेम इसका ऑथर अब यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे यूज़र, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बुक वन डॉट प्राइस कर देंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे अवेलेबिलिटी में बुक वन डॉट अवेलेबिलिटी और अब बुक टू को हम प्रिंट करा लेंगे। यहाँ पे हम इसको रन कराते हैं और बुक बी में क्या हमारे पास आया, प्राइस 500 आई और अवेलेबिलिटी क्या आई, ट्रू आई। देख लेते हैं इसको कोड में कि हमारे पास बुक बी था, ऑथर बी था और प्राइस क्या थी, जो बुक वन की प्राइस है वही बुक टू की प्राइस है, जो बुक वन की अवेलेबिलिटी है वही बुक टू की अवेलेबिलिटी है। यहाँ तो हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ें थी जो कि बुक वन से सेम थी, प्राइस और अवेलेबिलिटी। अगर कोई ऐसी चीज़ हो कि जिसमें 100 फील्ड्स हों और शुरू की दो फील्ड सिर्फ अलग हों, बाकी 98 फील्ड सेम हो, यानी इंस्टेंस वन की और इंस्टेंस टू की बहुत सारी फील्ड्स आपस में सिमिलर हों, सिर्फ दो ऐसी फील्ड हैं या दो या तीन या चार, बहुत थोड़ी सी ऐसी फील्ड्स हों जो अलग अलग हैं और बाकी सारी फील्ड्स सेम हों, तो उसको किस तरीके से करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको ऐसे लिखने के बजाय इसको यहाँ से रेस करेंगे और यहाँ पे डबल डॉट के साथ बुक वन लिख देंगे और अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइस 500, अवेलेबिलिटी ट्रू। हालांकि हमने बुक टू में ना प्राइस का फील्ड लिखी है ना अवेलेबिलिटी की फील्ड लिखी है, इसी को कहते हैं हम स्ट्रक्ट का अपडेट सिंटेक्स। और हमने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने बग़ैर कोई फील्ड लिखे अपनी पुरानी वाली यानी प्रीवियस स्ट्रक्ट की वैल्यूज़ यूज़ कर ली। हम देखेंगे टपल स्ट्रक्ट्स को।
टपल स्ट्रक्ट्स बेसिकली कुछ नहीं होते, एक जैसे हमारे पास, हमने स्ट्रक्ट में पहले डिस्कस किया कि फील्ड होती है और उस फील्ड में की होता है, एक वैल्यू होती है, लेकिन स्ट्रक्ट में हमारे पास क्या होता है, सिर्फ वैल्यू होती है। तो अब जब मैं टपल स्ट्रक्ट बोल रहा हूँ तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि सिर्फ मेरे पास टपल का नेम होगा और टपल की वैल्यू होगी, कोई की नहीं होगी हमारे पास। पिछले जब हमने टपल डिस्कस किया तो क्या डिस्कस किया था कि टपल एनोनिमस था, हम उसको सिर्फ एक वेरिएबल में स्टोर करा देते थे उसकी जितनी भी वैल्यूज थी। जैसे हमारे पास स्टूडेंट का डेटा है तो हम एक मीनिंगफुल वेरिएबल लेते थे, लेट स्टूडेंट इज़ इक्वल टू, और ब्रैकेट ओपन करते थे और उसके अंदर हम तीनों जो हमारे पास जैसे ग्रेड है और उसकी परसेंटेज है और उसकी एज है, ये हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज उसमें रख देते थे। अब ये सारी वैल्यूज़ थी, इस टपल का कोई नेम नहीं था। हाँ, ये टपल एक वेरिएबल में तो स्टोर था लेकिन इसका कोई नेम नहीं था। अच्छा, अब हम इसमें क्या देखेंगे, स्ट्रक्ट जो हम इधर बात कर रहे हैं टपल स्ट्रक्ट की, इसमें हम देखेंगे कि उस टपल का नेम होगा और उसमें वैल्यूज़ होंगी। ये क्यों करते हैं? अच्छा, ये जो है आपको इतनी एविडेंट या इतनी जो है नॉर्मली नज़र नहीं आएगा ये चीज़, ये जो सिंटैक्स है और ये जो कॉन्सेप्ट है, बस आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके का भी कुछ एग्जिस्ट करता है। तो हम डिफाइन करते हैं अपने टपल स्ट्रक्ट को और देखते हैं कि हमें प्रोग्रामेटिकली कैसे देखेगा। यहाँ हम स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखते हैं और कलर का स्ट्रक्ट बनाते हैं। कलर के स्ट्रक्ट में हम इसको देंगे तीन वैल्यूज सारी I32 की। अगर RGB का कॉन्सेप्ट है तो ये RGB है, यानी R रेड ब्लू ग्रीन, यानी R रेड ब्लू से, B से ब्लू और G से ग्रीन, हर कलर इन तीनों से मिलके बनता है। तो यहाँ तीन वैल्यूज़ हैं, स्ट्रक्ट कलर का स्ट्रक्ट हो गया। और अब हम बनाएंगे स्ट्रक्ट किसका, पॉइंट्स का स्ट्रक्ट बना लेते हैं। इसमें हम तीनों वैल्यू 32 की देंगे और हम इसमें तीनों वैल्यू I32 देंगे। अब इस स्ट्रक्ट को हम कर लेते हैं इनिशियलाइज। हमारे पास लेट सपोज ब्लैक कलर और हम इसकी डेटा टाइप लिखते हैं यहाँ पे और इसके अंदर हम अपनी वैल्यूज रख देते हैं। मैं पहली वैल्यू रखता हूँ 6, 9 और 0 और इसको हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या प्रिंट हुआ कलर में, 6, 9 और 0। यहाँ पे वार्निंग क्या आ रही है, यहाँ पे वार्निंग ये दे रहा है कि पॉइंट्स का स्ट्रक्ट तो आपने यूज़ ही नहीं करा कहीं पे मेन में। तो ये हमारे पास रस्ट का कंपाइलर वार्निंग्स भी देता है। और हमारे पास कलर्स की क्या वैल्यू आ गई 6, 9 और 0। लेट सपोज के मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम हम रख लेते हैं बिल्डी, रख लेते हैं इस फंक्शन का नाम, और इसमें हम अपनी वैल्यूज इसको कर लेते हैं, हम फंक्शन का नाम रख के कर लेते हैं हम अनदर फंक्शन। और ये एक पैरामीटर एक्सपेक्ट करेगा जिसकी टाइप क्या होगी, जिसकी टाइप होगी कलर, और यहाँ पे हम उसको प्रिंट करा लेते हैं। और हम ऊपर से इसमें आर्ग्यूमेंट सेंड करते हैं इस फंक्शन में जो कि ब्लैक है, और अब इसको रन करते हैं। तो अब क्या हुआ, अभी भी ये रन हो गया क्योंकि हम कौन सी एक्सपेक्ट कर रहे थे टाइप, यहाँ पे कलर की डेटा टाइप एक्सपेक्ट कर रहे थे और ऊपर से हमने क्या सेंड करी है, ब्लैक की डेटा टाइप क्या है, ब्लैक इंस्टेंस की डेटा टाइप कलर है, और हमने ये एज अ आर्ग्यूमेंट किसको सेंड किया, अनदर फंक्शन को। अनदर फंक्शन का जो हमारे पास पैरामीटर था वो एक्सपेक्ट कर रहा था कौन सी डेटा टाइप, कलर की डेटा टाइप, और फिर उसने वो वेरिएबल प्रिंट कर दिया। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ
एक्सेस का, और इसमें देता हूँ पॉइंट्स 101। ये मैंने एक और इंस्टेंस बनाया, लेकिन इसकी डेटा टाइप क्या है? इसकी डेटा टाइप है पॉइंट्स। अब मैं इसको सेंड कर देता हूँ एक्सेस को अपने अनदर फंक्शन में। पॉज दिस वीडियो एंड आंसर दिस योरसेल्फ, ये कोड चलेगा क्या नहीं चलेगा? तो अब हम आते हैं, इसको रन करते हैं। ये कोड हमारे पास नहीं चलेगा, इसकी हम वजह डिस्कस करते हैं। पहले एरर देखते हैं। एरर क्या है हमारे पास? एक्सपेक्टेड स्ट्रक कलर फाउंड स्ट्रक पॉइंट्स, यानी पैरामीटर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस डेटा टाइप की वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कलर डेटा टाइप की वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन हम सेंड क्या कर रहे हैं? एक्सेस, जिसकी डेटा टाइप क्या है? पॉइंट्स। इन दोनों की डेटा टाइप ब्लैक और एक्सेस की अलग अलग है। ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं स्ट्रक्ट के। हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्ट की ओनरशिप के बारे में। तो जिस तरीके के हमने पहले देखा, जो भी हमारा डेटा स्टोर होता है, यानी जो भी हमारे पास की होती है, वो जो वैल्यू कंसिस्ट करती है, अभी तक हमने देखा कि वो कोई रेफरेंस नहीं था, वो डायरेक्ट हम जो वैल्यू दे रहे थे वही था। अब अगर हम रेफरेंस देना चाहें, यानी कोई हमारे पास कंटेंट रखा हुआ है किसी मेमोरी पे और हम उसका सिर्फ एड्रेस दे दें अपनी की को, तो ऐसा हो सकता है? तो इस तरह हम कोड में करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या पोटेंशियल एरर्स आ सकते हैं। जिस तरीके का हमने देखा कि स्ट्रिंग लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी ये डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू है, ये डायरेक्ट वैल्यू है, कोई एड्रेस नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल टाइप लेते हैं, स्ट्रिंग लिटरल लेते हैं और यहाँ पे स्ट्रिंग लेते हैं। तो हमने देखा कि हमने स्ट्रिंग लिटरल लिए, किधर? हमारी वैल्यू की डेटा टाइप क्या होगी? एक स्ट्रिंग लिटरल होगा, और इसमें हम जब इसको रन करेंगे तो हमारे पास एक एरर आएगा। वो एरर क्या है? वो एरर है लाइफ टाइम का। लाइफ टाइम हमने इससे पहले डिस्कस नहीं किए, तो हम लाइफ टाइम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 में। लेकिन लाइफ टाइम करता क्या है? ऐसा लाइफ टाइम ये करता है कि जो आपकी वैल्यू, यानी जो आपका स्ट्रक्ट जिस वैल्यू को होल्ड किया हुआ है, लाइफ टाइम इंश्योर करता है कि वो वैल्यू मेमोरी से क्लीन ना हो जब तक आपका स्ट्रक्ट मेमोरी में है। और ये भी इंश्योर करता है कि अगर आपका स्ट्रक्ट मेमोरी से चला गया, यानी मेमोरी से क्लीन हो गया, और जिस मेमोरी को वो रेफरेंस कर रहा था वो अभी तक उसी जगह पे है, तो इसको भी इंश्योर करता है कि ऐसा ना हो, स्ट्रक्ट भी मेमोरी में रहे और जिसको वो रेफरेंस कर रहा है वो भी मेमोरी में रहे। तो आइए हम इस कोड को रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एरर क्या आएगा। हमारे पास एरर क्या है कि एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम पैरामीटर। जब हम इसको पढ़ेंगे आगे तो हम देखेंगे कि ये इस एरर को हम सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे एक एग्जांपल, और इस एग्जांपल को हम अपनी रीफैक्टर करेंगे, यानी पहले इस एग्जांपल को नॉर्मली करेंगे, फिर इसको थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे, फिर इसको और अपग्रेड करेंगे। इसको करने की वजह ये है ताकि हमें स्ट्रक्ट का यूज़ केस समझ में आ सके। तो आइए चलते हैं हम अपनी एग्जांपल पे, जो कि नॉर्मल है इस वक्त, फिर हम इसको रिफैक्टर करेंगे और आगे वाली वीडियो में इसको दोबारा रिफैक्टर करके इसको एक वेल ऑर्गेनाइज एग्जांपल बनाएंगे। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं हाइट, इसमें लेट्स सपोज हम 100 देते हैं, इसमें देते हैं विड्थ 50। अब एक हम फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन किस चीज़ का बनाएंगे? फंक्शन बेसिकली एरिया कैलकुलेट करेगा, किसी रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेगा। हम क्या पास करेंगे? हाइट पास करेंगे और विड्थ पास करेंगे अपने एरिया के फंक्शन को, और एरिया का फंक्शन हमें कैलकुलेट करके हमारी कंसोल पे प्रिंट कर देगा। फंक्शन बनाया एरिया का, एरिया का फंक्शन दो पैरामीटर एक्सपेक्ट करेगा, कर देते हैं हाइट 1, इसकी 232, और इसको कर देते हैं हम विड्थ 232, और ये 232 टाइप का डेटा पास करेगा। एरिया किस तरह निकलता है? हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ,
और यही रिटर्न हो जाएगा। चलो हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं अपने मेन के अंदर। क्या करते हैं, प्रिंट एल एन, हम डायरेक्ट इसको प्रिंट एल एन के मैक्रो में कॉल करते हैं। इसमें हाइट पास करते हैं और इसमें अपनी वेट पास करते हैं और यहाँ एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, और हम इसको प्रिंट करा देते हैं। तो हमें इसने एरिया कैलकुलेट करके दे दिया। लेकिन इस एग्जाम्पल में एक मसला है, उस मसले को हम सॉल्व कर सकते हैं एक बेहतर अप्रोच से। वो मसला क्या है कि एरिया तो हमें एक ही रेक्टेंगल का निकालना है, तो हम इसमें दो पैरामीटर क्यों सेंड कर रहे हैं, हम इसमें एक ही पैरामीटर सेंड करें। हमारे पास जो विड्थ और हाइट है वो दोनों आपस में रिलेट हो रहे हैं, क्योंकि वो विड्थ भी और हाइट भी एक ही रेक्टेंगल की है, तो हमारे पास एक ही पैरामीटर क्यों नहीं जा रहा है इस फंक्शन के अंदर, हमारे पास दो दो पैरामीटर्स क्यों जा रहे हैं। जब ये फंक्शन एक रेक्टेंगल का हमें एरिया कैलकुलेट करके दे रहा है तो हमारे पास पैरामीटर में भी सिर्फ एक ही वैल्यू जाए। तो इसको देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। हम अपनी पिछली एग्जांपल को टपल से रीफैक्टर करेंगे, यानी टपल से हम उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ। हम एक टपल क्रिएट करेंगे, इसका नाम हम रेक्टेंगल के उससे रेक वन कर देते हैं और हम इसमें इसकी हाइट दे देते हैं 100 और इसकी विड्थ दे देते हैं 50। और यहाँ पे अपना एरिया का फंक्शन बनाते हैं और ये एरिया का फंक्शन एक टपल एक्सपेक्ट करेगा, इसका नाम हम डायमेंशंस दे देते हैं और इस टपल की टाइप है U32। और फिर ये एक डेटा टाइप रिटर्न करेगा जो कि U32 टाइप की है। और मैंने इस एग्जांपल में और इस प्रीवियस वाली एग्जांपल में भी कोशिश करी है कि सारे नेम्स वही हों कि जो हमारे पास बुक में यूज़ है, ताकि जब आप लोग बुक पढ़ें तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ में आए। यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं और यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करा लेते हैं। फंक्शन को हम प्रिंट एल एन के मैक्रो में कॉल करा लेते हैं। टपल पास कर देते हैं हो ये रहा है कि हमने एक टपल क्रिएट करा, टपल को हमने पास कराया किधर, एज अ पैरामीटर एरिया के फंक्शन में, एरिया के फंक्शन ने उसको एक्सपेक्ट किया है। और यहाँ पे डायमेंशंस में अब मेरे पास इस टपल की वैल्यू आ गई है और मैंने पहला जो मेरे पास वैल्यू थी यानी 100 यानी डायमेंशन .0 उसको मल्टीप्लाई कराया डायमेंशन .1 से यानी 50 से। और जब ये रिज़ल्ट आ जाएगा तो आगे हमारे पास रिटर्न कहाँ हो जाएगा, प्रिंट एलन के मैक्रो में और प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इस एग्जाम्पल में भी एक मसला है, इस एग्जाम्पल में ये मसला है कि जब मेरे कोड के ऊपर कोई और काम कर रहा होगा तो उसको तो नहीं पता ना कि डायमेंशन .0 का मतलब हाइट है और डायमेंशन .1 का मतलब विड्थ है। वो तो उसको परेशानी होगी और मुझे भी अपने दिमाग में रखना पड़ेगी ये बात कि डायमेंशन .0 इज़ हाइट और डायमेंशन .1 इज़ विड्थ। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें की चाहिए होगी, की के साथ वैल्यू भी चाहिए होगी। वैल्यू तो हमारे पास एग्जाम्पल में है लेकिन हमारे पास की नहीं है। तो अगली एग्जाम्पल जो हम इसको रिफैक्टर करेंगे, वो हम रिफैक्टर करेंगे किससे, स्ट्रक्ट से। और फिर देखेंगे कि स्ट्रक्ट कितनी अमेजिंगली हमारा ये काम स्ट्रक्चर कर रहा है। हम इस एग्जाम्पल को रन करके देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम इसको स्ट्रक्ट से रिफैक्टर करेंगे। तो हमारे पास प्रिंट हुआ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 5000 और हमारे पास जो वार्निंग आ रही है वो बोल रहा है कन्वर्ट द आइडेंटिफायर टू स्नेक केस डायमेंशन। तो इस टी को मैं छोटा कर देता हूँ। ये कन्वेंशन हैं, इसको करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर इन कन्वेंशन से चलेंगे तो आपके पास वार्निंग नहीं आएगी। तो अब ये बोल रहा है द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 5000।
यानी काम इसमें भी हो रहा है लेकिन हमें और इसको स्ट्रक्चर करना है। इस वीडियो में हम देखेंगे पुरानी वाली एग्जाम्पल को हम रिफैक्टर करेंगे किससे, स्ट्रक्ट से। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। हम सबसे पहले अपना स्ट्रक्ट क्रिएट करेंगे और हम स्ट्रक्ट में क्या रखते हैं, इस स्ट्रक्ट का नाम रखते हैं रेक्टेंगल और इसमें हम क्या इनिशलाइज कराते हैं, फील्ड हाइट को U32 करते हैं और विड्थ को भी हम U32 टाइप देते हैं। ये हम एफ एन मेन का फंक्शन बनाते हैं और एफ एन मेन में आके हम अपना इंस्टेंस बनाते हैं किस डेटा टाइप का, रेक्टेंगल डेटा टाइप का। और हाइट को क्या वैल्यू इनिशलाइज करते हैं 100 और विड्थ को क्या करते हैं 50। याद रहे यहाँ टर्मिनेटर लगाना है। और फिर हम अपने एरिया का फंक्शन बनाते हैं जिस तरीके से हम पहले एग्जांपल्स में बनाते रहे। ये एरिया का जो फंक्शन है ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा एक सर्टेन पैरामीटर जिसकी डेटा टाइप होगी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो ये है ये एक डेटा टाइप है जो हमने ऊपर बनाई है कस्टम डेटा टाइप, और ये रिटर्न कर रहा होगा एक U32। अब हम क्या करेंगे, हम रेक 1.height करेंगे मल्टीप्लाई बाय रेक डॉट विथ। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो सेंड करेगा U32 की वैल्यू किधर, कॉलिंग फंक्शन में। अब हम इसको कॉल करा लेते हैं। और यहाँ पे हम अपना इंस्टेंस दे देते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या प्रिंट हुआ, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 5000। तो हमने अपनी देखा कि एग्जाम्पल से किस तरीके से अपना कोड रिफैक्टर किया और स्ट्रक्ट की मदद से हमने अपना कोड एक स्ट्रक्चर में लिया है। हमारे पास हमने पहला जो यूज़ केस डिस्कस किया था वो यही था ना कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल का एरिया मुझे पता करना है, तो मेरे पास जो फंक्शन है जो पैरामीटर ले रहा है वो एक ही पैरामीटर ले क्योंकि वो एक ही रेक्टेंगल का मुझे एरिया कैलकुलेट करके दे रहा है। तो इसमें मेरे पास ये भी आसानी है कि मुझे अगर मेरा कोई और डिवेलपर है और वो किसी और कोई और हमारे इसी कोड पे कोई और बंदा काम कर रहा है तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ज़ीरो डायमेंशन डॉट ज़ीरो का मतलब ये है, डायमेंशन डॉट वन का मतलब ये है। अब उसको एविडेंटली नज़र आ रहा है कि हाइट, उसको पता है कि ये हाइट है और विड्थ का वेरिएबल उसको बता रहा है कि ये विड्थ है। तो इस तरीके से हमने अपना कोड रिफैक्टर किया स्ट्रक्चर की मदद से। अब हम इसी एग्जांपल में एक और चीज़ देखते हैं जिसका हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ओनरशिप के बारे में, और वो देखते हैं कि इस एग्जांपल में वो किस तरीके से दिखेगी। तो लेट सपोज़ कि मुझे मेन के अंदर रेक वन को दोबारा यूज़ करना है, यानी मुझे क्या करना है, सिर्फ प्रिंट कराना है अपना रेक वन। प्रिंट कराने के लिए मुझे ट्रीटी प्रिंटिंग करनी है और यहाँ पर मुझे एनोटेशन लगानी है ड्राइव डेबग। ये जो हमने एनोटेशन लगाई है ये हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस एनोटेशन का मतलब क्या है, लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। और अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। एफ एन मेन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, अपना इंस्टेंस प्रिंट करा रहा हूँ। तो हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ मेरे पास एरर क्या आया, लाइन 15 में वो बोल रहा है कि आप उस वैल्यू को यूज़ करना चाह रहे हैं जो आपने मूव करा दी है। तो अब हमें इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस मौके पे आपको बताना चाहिए कि इसको सही करने के लिए क्या करना चाहिए। हम यहाँ लगाएंगे M% का साइन, यानी हम इसको बोरो कर रहे हैं। किस फंक्शन को बोरो कर रहे हैं, एरिया के फंक्शन को बोरो कर रहे हैं। और अब हम इसको दोबारा रन करके देखते हैं, क्लियर करते हैं। अब हमारे पास इसने प्रिंट कर दिया रेक्टेंगल हाइट इज 100 विड्थ इज 50। ये क्यों किया, क्योंकि हमने बोरो कराया है अपना इंस्टेंस दूसरे फंक्शन को। जब बोरो कराया है
तो अब मैं वो इंस्टेंस अपने मेन के फंक्शन में भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने मूव नहीं कराया है अपना इंस्टेंस, मैंने बोरो कराया है। हम डिस्कस करेंगे कि हमने ड्राइव डिबग की जो एनोटेशन लगाई थी, यानी जो हमने स्टेटमेंट लिखी थी सबसे ऊपर, वो क्यों लिखी थी। तो इसकी हमें एक प्राइमरी वजह ये पता होनी चाहिए कि जो हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं ना प्रिंट एलन के मैक्रो के अंदर, वो कर्ली ब्रैकेट्स क्या डिनोट करते हैं। वो डिनोट ये करते हैं कि अच्छा, अब प्रिंट एलन का मैक्रो ना बहुत सारी तरीके की फॉर्मेटिंग कर सकता है, यानी बहुत सारे फॉर्मेट में हमारे पास आउटपुट शो कर सकता है। तो इस वाले कर्ली ब्रैकेट्स क्या बताते हैं, एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स प्रिंट एलन के मैक्रो को, कि ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट का नाम है डिस्प्ले। इसी तरीके के और भी फॉर्मेट हैं जिसमें वो हमें आउटपुट शो कर सकता है, लेकिन कर्ली ब्रैकेट जो एम्प्टी हैं वो बताते हैं कि ये फॉर्मेट है डिस्प्ले का। डिस्प्ले का फॉर्मेट बेसिकली होता ही यूँ है कि एंड यूज़र के पास जो डिस्प्ले जाता है ना, उसके लिए डिस्प्ले फॉर्मेट लगता है। अब मेरे पास जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं, और प्रिमिटिव टाइप्स के अंदर आके भी स्केलर टाइप्स जो है वो, जैसे अगर मेरे पास 1 है या 2 है, 3 है, डिजिट्स में मैं बात कर रहा हूँ, या मेरे पास अगर कैरेक्टर है ए बी सी, या अगर मेरे पास फ्लोट है 1.0, 11.1, तो इन सबको आउटपुट में शो करने के लिए मेरे पास, अगर मेरे पास 1 है तो मैं 1 ही शो करूँगा। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है मैं 1 को अपने आउटपुट में शो कर सकूँ एंड यूज़र को। तो हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट होता है ना वो यही होता है कि डिस्प्ले फॉर्मेट लगता है, यानी हम जो एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, तो इसमें हमारे पास जो स्केलर टाइप्स हैं, यानी ऐसे इंटीजर हो गई, फ्लोट हो गई, कैरेक्टर हो गई, ये सब तो चल जाते हैं डिस्प्ले फॉर्मेट में, क्योंकि इनका फॉर्मेट है ही एक, ये एक ही तरीके से प्रिंट होंगे। लेकिन स्ट्रक्ट में क्या है, स्ट्रक्ट में अब पता नहीं है ना कंपाइलर को कि आपको कितनी फील्ड्स चाहिए, या आपको कॉमास चाहिए, या आपको कर्ली ब्रैकेट्स चाहिए, आपको प्री प्रिंटिंग चाहिए, या ये कंपाइलर को पता ही नहीं है, एम्बिगिटी में कंपाइलर। तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई इस पे डिस्प्ले ट्रेट नहीं लग रहा है, इस पे लग रहा है डिबग ट्रेट। डिस्प्ले ट्रेट क्यों नहीं लग रहा है? डिस्प्ले ट्रेट इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हमने जो बात करी कि डिस्प्ले ट्रेट बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, स्केलर वैल्यू को प्रिंट कर लेता है और एंड यूज़र को दिखा देता है। लेकिन डिबग ट्रेट क्या करता है, डिबग ट्रेट में हम उसको बताते हैं कि भाई हमें स्ट्रक्ट की वैल्यूज़ चाहिए, या तो अगर हमें आइदर कॉमास के साथ चाहिए, आइदर हमें कर्ली ब्रेसेस के साथ चाहिए, आइदर हमें सिर्फ 2 फील्ड्स चाहिए, हमारा स्ट्रक्ट 5 फील्ड्स का लेकिन हमें 2 फील्ड्स चाहिए। तो ये सारी डिबग ट्रेट के अंदर हमारे पास ये फंक्शनैलिटी ऐड होती है। तो अब पता कैसे चलेगा प्रिंट एलन के मैक्रो को कि इस पर डिबग ट्रेट लगना है, डिस्प्ले नहीं लगना, डिबग लगना है। डिस्प्ले का तो कैसे पता है उसको, कि क्योंकि एम्प्टी ब्रेसेस है, डिबग का कैसे पता चला है इसको? तो आए उसको कोड में बताते हैं कि इस पर डिबग ट्रेट लगेगा। तो प्रिंट एलन के मैक्रो में मैं आया और यहाँ पे मैंने लिखा कॉलन हैश क्वेश्चन मार्क। हैश अगर ना भी लिखूँ तो ये मेरे पास क्या बताएगा अब प्रिंट एलन के मैक्रो को, ये प्रिंट एलन के मैक्रो को बताएगा कि अब इस पे डिस्प्ले ट्रेट नहीं लग रहा है, इस पे लग रहा है डिबग ट्रेट। और अब हमें एक्सप्लिसिटली ये अपने कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें एनोटेशन देनी पड़ेगी कि अब इस प्रोग्राम में क्या लग रहा है, एक डिबग ट्रेट लग रहा है, और जब हम इसको प्रिंट करेंगे हमारे पास प्रिंट हो जाएगा ये REC1 इज रेक्टेंगल विथ दिस 30, हाइट इज 50। अच्छा, अगर ये दोनों काम मैं ना करूं, यानी यहाँ से लाइन भी हटा दूं और यहाँ से ये स्पेसिफायर भी हटा दूं जो कि प्रिंट एलन के मैक्रो को बता रहा था कि इस पे डिबग ट्रेट लग रहा है, अगर मैं हटा दूंगा तो अब क्या लग रहा है, डिस्प्ले ट्रेट। फिर रन करके देखते हैं इसको, अब हमें देगा एरर। एरर क्या दे देगा कि रेक्टेंगल जो कि एक डेटा टाइप है, कस्टम डेटा टाइप, कैन नॉट बी फॉर्मेटेड विद द डिफॉल्ट फॉर्मेटर। ये डिफॉल्ट फॉर्मेटर क्या है, डिस्प्ले है। तो इसमें क्या बोल रहा है अब ये, द ट्रेट FMT डिस्प्ले इज नॉट इम्प्लीमेंटेड फॉर रेक्टेंगल, यानी ये जो हमारे पास डिस्प्ले का ट्रेट है ये हमारे पास कस्टम डेटा टाइप पे नहीं लगता, ये हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप पे लगता है, और वो भी जो कि स्केलर हो। और फिर हमें नोट क्या दे रहा है, ये इन फॉर्मेट स्ट्रिंग्स यू मे एबल टू यूज़ दिस और दिस फॉर प्रीटी प्रिंट। अब ये हमें बता भी रहे, इसका कंपाइलर इतना एफिशिएंट है कि हमें बता रहे हैं कि आप ये यूज़ कर सकते हैं,
जैसे सर हमने अभी एग्जाम्पल अपनी रन करी तो हमने एग्जाम्पल में भी इसी तरीके से रन किया था कि हमने कॉलन क्वेश्चन मार्क लिखा था, तो प्रिंट एलन के मैकर को पता चल गया था कि ये डिबग ट्रेट है, डिस्प्ले ट्रेट नहीं है, और हमें एक्सप्लिसिटली जाके उसको बताना भी पड़ता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि कंपाइलर एक एम्बिगिटी में होता है कि स्ट्रक्ट को मैं कैसे प्रिंट करूँ, आइदर कि उसको कॉमा सेपरेटेड करूँ, आइदर के उसमें कर्ली ब्रेसेस लगाऊँ, आइदर के उसकी कितनी फील्ड्स प्रिंट करूँ। तो हम दो चीज़ें देखेंगे, दो तरीके से इसको प्रीटी प्रिंट करके देखेंगे। एक तरीके से तो हमने देख लिया, दूसरी तरीके से हम देखते हैं, कोड को वापस वैसे ही कर देते हैं। हमने इस तरीके से तो देख लिया कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा था। अब हम इसको हैश से देखते हैं, इसको रन करते हैं, तो हमारे पास इस तरीके का आउटपुट आ रहा है। और हम अगर पहले वाले तरीके से रन करें तो हमारे पास इस तरीके का आउटपुट आ रहा है। पहले वाले में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारी लास्ट फील्ड है उसके बाद कॉमा है, और जो हम हमारे पास जो सेकंड आउटपुट आ रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास लास्ट फील्ड है उसमें कॉमा नहीं है। तो ये सर्टन फ़र्क होते हैं, कंपाइलर को पता नहीं चलता, हमें डायरेक्ट बताना पड़ता है। और हमने एक और दो बातें इसमें डिस्कस करी कि डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हमेशा डिस्प्ले ट्रेट होता है। डिस्प्ले ट्रेट क्या करता है? डिस्प्ले ट्रेट एंड कस्टमर को, एंड यूज़र को हमारा आउटपुट शो करा देता है। और अगर हमारे पास कोई कस्टम डेटा टाइप है उसको अगर हमें प्रिंट कराना है तो हम क्या लगाएंगे? डिबग ट्रेट। डिबग ट्रेट का मतलब कि ये डिबग ये होता है ना डेवलपर्स के लिए होता है, कि डेवलपर्स जब अपना काम कर रहे होते हैं और कोई उनको सर्टन डेटा टाइप में कोई मसला आ जाता है, कोई एरर वगैरह हो रहा होता है, तो वो फिर इस तरीके से उसको प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं कि भाई एरर किधर आ रहा है, कौन सी डेटा टाइप मसला कर रही है, तो इसलिए डिबग ट्रेट लगता है। मैंने इस पूरी वीडियो में ट्रेट 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 बार बार बोला है, तो हम ये डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 10 में। हम देखेंगे मेथड सिंटेक्स को। मेथड सिंटेक्स देखने से पहले हमें दो टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पता होना चाहिए। एक टर्मिनोलॉजी के बारे में तो आपको पता ही है, वेरिएबल, और दूसरी ऑब्जेक्ट। अगर मेरे पास कोई ऐसा डेटा है जैसे कोई इंटीजर डेटा है या फ्लोट डेटा है, कैरेक्टर है, बुलियन है, अगर मुझे इसको किसी चीज़ में स्टोर कराना है तो मैं इसको क्या कहूँगा? इसको कहूँगा मैं वेरिएबल, यानी लेट एज इज इक्वल टू 45। अब एज क्या है? ये वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि इसमें मैंने इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कराया है। और ऑन द अदर हैंड ऑब्जेक्ट में किसको कहूँगा? ऑब्जेक्ट में उसको कहूँगा जिसमें मैं कोई कस्टम डेटा टाइप स्टोर करा रहा हूँ। जैसे कि मैं इस वाली एग्जांपल में लेट रेक इज़ इक्वल टू रेक्टेंगल लिखा हुआ है और विड्थ और हाइट सेट कराई हुई है, तो ये रेक्टेंगल मेरी खुद साख्ता बनाई हुई डेटा टाइप है। और जब मैं इसको किसी वेरिएबल में, यानी मैं इसको किसी चीज़ में स्टोर कराऊँगा, इसको किसी कंटेनर में स्टोर कराऊँगा, तो मैं उसको वेरिएबल नहीं कहूँगा, मैं उसको ऑब्जेक्ट कहूँगा। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है वेरिएबल और ऑब्जेक्ट में। बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वोकैबुलरी है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट का जो लफ्ज़ है वो रिपीटेडली इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आई थॉट कि आप लोगों को ये पता हो। अच्छा, अब चलते हैं मेथड और फंक्शन की तरफ। फंक्शन और मेथड बेसिकली सिमिलर है रेस्ट के अंदर, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले तो हम सिमिलैरिटीज़ की बात कर लेते हैं कि फंक्शन और मेथड में क्या सिमिलैरिटीज़ है। जैसे हम जब फंक्शन डिफाइन करते हैं तो fn कीवर्ड लिखते हैं, fn कीवर्ड के बाद फंक्शन का नाम लिखते हैं, वो फंक्शन कोई पैरामीटर्स ले रहा होता है, कोई रिटर्न टाइप भेज रहा होता है कॉलिंग फंक्शन को, तो ये सारी चीज़ें सिमिलर हैं। मेथड भी ये सारे काम करता है और फंक्शन तो करता ही करता है। अच्छा, मेथड और फंक्शन में जो हमारे पास डिससिमिलैरिटीज़ हैं, वो डिससिमिलैरिटीज़ क्या है? डिससिमिलैरिटी क्या है? सबसे पहली वो ये है कि हमेशा मेथड ना वो स्ट्रक्ट, इनम या ट्रेट्स, इनम और ट्रेट्स हमने नहीं पढ़े तो इसको डिस्कस नहीं करते। हमेशा जो हमारे पास मेथड्स हैं वो स्ट्रक्ट के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन होता है, यानी मेरे पास जो स्ट्रक्ट की टाइप है उसके कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन होगा हमेशा मेथड। इसको हम देखेंगे एग्जांपल में कि किस तरीके से हमें ये नज़र आएगा। और एक और बात क्या कि हमेशा मेथड का जो फर्स्ट पैरामीटर होगा ना वो सेल्फ होगा। सेल्फ क्या है? सेल्फ हमारे पास एक सेल्फ क्या डिनोट करता है, इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ना जिसके ऊपर मेथड कॉल हुआ है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मेथड कॉल हुआ है, सेल्फ उसको डिनोट करता है। बस अभी हम देखेंगे कि सेल्फ कोड में किस तरह दिखता है और सेल्फ को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट कोई सपोज कार ले लेते हैं, जैसे फरारी है मेरे पास। अब
फरारी के कोई ना कोई जो है एक्शंस होंगे, कोई ना कोई बिहेवियर्स होंगे, यानी वो एक्सेलरेट कर सकती है, उसका इंजन ऑन हो सकता है, वो टर्न हो सकती है लेफ्ट राइट, वो स्टॉप हो सकती है। तो ये क्या है सारे, ये एक्शंस हैं सारे, ये बिहेवियर्स हैं सारे। तो मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बना दूंगा, यानी एक मेथड मैंने बना दिया एक्सेलरेशन का, एक मेथड मैंने बना दिया स्टार्टिंग इंजन का, एक मेथड मैंने बना दिया टर्न का, एक मेथड बना दिया मैंने स्टॉप का। तो ये सारे जो भी मेथड्स है ना, एक इससे एसोसिएट है, किसी ऑब्जेक्ट से एसोसिएट है। हर ऑब्जेक्ट के कोई ना कोई बिहेवियर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मेथड। हम देखते हैं अब कि फंक्शन को किस तरह डिफाइन किया जाता है और मेथड को किस तरह डिफाइन किया जाता है। फंक्शन तो आप लोगों को पता है कि किस तरह डिफाइन होते हैं, मेथड के ऊपर चलते हैं। तो जैसे कि हमें लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि फंक्शन में हमने क्या लिखा, एफ एन कीवर्ड लिखा, उसके बाद एरिया लिखा, फंक्शन का नेम लिखा और इसके अंदर एक पैरामीटर दिया। उस पैरामीटर की क्या टाइप थी, रेक्टेंगल, और फिर उस जो हमारे पास जो रैक है उसको हमने बॉडी में यूज़ कर लिया। यानी हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जिसकी डेटा टाइप थी रेक्टेंगल और फिर हमने उसको फंक्शन की बॉडी में यूज़ कर लिया। सिमिलर काम बिल्कुल जो ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, मुझे मेथड से परफॉर्म कराना हो तो मैं किस तरह करूँगा, IMPL, इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक, इसको मैं इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक कहता हूँ। हमेशा जब भी मैं मेथड डिक्लेयर करूँगा, डिफाइन करूँगा, तो मैं इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक के अंदर करूँगा। इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक के बाद IMPL कीवर्ड जो है ना, इसके बाद मुझे क्या लिखना होता है, मेरी डेटा टाइप, कि किस डेटा टाइप पे मैं अपना ये इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मेथड, मुझे डेटा टाइप ज़रूर लिखनी है। जैसे मैंने इसमें रखी है रेक्टेंगल, इसके अंदर आके मैंने वही fn का कीवर्ड लिखा, फंक्शन का नेम लिखा। अब पैरामीटर के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि मेथड के लिए क्या ज़रूरी है, कि पहला पैरामीटर हमेशा सेल्फ हो, और यहाँ पे मैंने ampersand सेल्फ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि जो भी ऑब्जेक्ट इस पैरामीटर के अंदर लाए करेगा वो होगा मेरे पास इम्यूटेबल, यानी मैं जो बोरो कर रहा हूँ वो होगा इम्यूटेबल बोरो, और फिर मैं इसी सेल्फ को फंक्शन की यानी मेथड की बॉडी में यूज़ कर रहा हूँ, इसी सेल्फ को। अब जब भी मैं कोई अपना काम परफॉर्म करूँगा तो मैं सेल्फ की मदद से करूँगा। इस फंक्शन में हमने पहले ही डिस्कस किया सेल्फ क्या है, सेल्फ कुछ भी नहीं है, सेल्फ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है जिस पे इस वक्त मेथड कॉल हो रहा है। हम कोड में देखेंगे, पूरी प्रैक्टिस करके देखेंगे कि इसकी किस तरीके से सेल्फ यूज़ होता है और किस तरीके से वैल्यूज़ पे आके प्लेस होती है। अब हम बात कर लेते हैं इनके पैरामीटर्स के ऊपर। फंक्शन के पैरामीटर में हमारे पास ऑब्जेक्ट जैसे रेक है, उसके बाद कॉलन रख के हमने ampersand रेक्टेंगल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिटली बताया हुआ है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी डेटा टाइप रेक्टेंगल है, लेकिन हमारे पास ऑन द राइट हैंड साइड जो हमने सेल्फ लिखा हुआ है, सेल्फ के साथ हमने डेटा टाइप नहीं बताई। क्यों नहीं बताई, क्योंकि जो हमारे पास मेथड है वो किसके कॉन्टेक्स्ट में, वो है रेक्टेंगल के कॉन्टेक्स्ट में, यानी वो हमारी जो डेटा टाइप है रेक्टेंगल, ये मेथड उसके कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन हुआ हुआ है। जो हमें सेल्फ के साथ उसकी डेटा टाइप बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रस्ट का कंपाइलर चेक कर लेगा कि ये किस इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक के अंदर है, और जिस इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक के अंदर होगा उसकी डेटा टाइप सेल्फ के कीवर्ड के साथ एसोसिएट कर देगा। इधर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ampersand सेल्फ लिखा हुआ है, अब यहाँ पे हम सिर्फ सेल्फ भी लिख सकते थे और यहाँ पे हम ampersand मट सेल्फ भी लिख सकते थे, यानी हम इसको इम्यूटेबली भी बोरो कर सकते हैं, म्यूटेबली भी बोरो कर सकते हैं और इसकी ओनरशिप भी दे सकते हैं। मेथड ये तीनों चीज़ें हमें अलाउ करती हैं। अभी हमने क्या किया हुआ है, अभी हमने इम्यूटेबल बोरो दिया हुआ है मेथड को। अब हम बात कर लेते हैं कॉलिंग ऑफ द फंक्शन की। जिस तरीके से हमें दिख रहा है कि हमारे पास फंक्शन में हमने एरिया का फंक्शन लिखा हुआ है और इसके अंदर हमने पैरामीटर सेंड किया हुआ है, ये पैरामीटर कहाँ पे जाके सेट होगा, हमारे ऊपर फंक्शन के पैरामीटर में, और फंक्शन उसको यूज़ कर लेगा। अच्छा, ऑन द अदर हैंड हमें क्या दिख रहा है कि जब हम मेथड कॉल कर रहे हैं तो मेथड कैसे कॉल कर रहे हैं, हम इस पे पहले वाली एनालॉजी पे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बात बताई थी कि फरारी एक्सेलरेट कर सकती है और फरारी जो है वो टर्न कर सकती है और स्टॉप हो सकती है, तो इसी तरीके से यानी ये सारे बिहेवियर थे ना, अब मैं क्या करूँ, फरारी डॉट एक्सेलरेट करूँ तो फरारी चलना शुरू हो जाए, फरारी डॉट स्टॉप करूँ तो फरारी रुक जाए, फरारी डॉट टर्न लेफ्ट करूँ तो फरारी लेफ्ट चले जाए, ये सारे बिहेवियर थे। तो इसी तरीके से मैंने क्या किया, मैंने लिखा रेक, यानी ये मेरा ऑब्जेक्ट है, रेक डॉट एरिया,
यानी एरिया क्या चीज़ है, एरिया वो बिहेवियर है जो ये ऑब्जेक्ट एग्जिबिट कर रहा है। अच्छा, अब सेल्फ के अंदर जाके क्या सेट होगा, यहाँ पे हमारे पास सेल्फ के अंदर जो भी रैक के अंदर वैल्यू है ना वो जाके सेल्फ पे सेट हो जाएगी, यानी पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो मेरे पास रैक का है वो सेल्फ पे जाके सेट हो जाएगा। तो आइए हम इसको करते हैं कोड में और देखते हैं कि हमें किस तरीके से नज़र आएगा। सबसे पहले हम अपना एफ एन मेन का फंक्शन लिखते हैं और इसके ऊपर जाके हम स्ट्रक्ट डिफाइन करते हैं, रेक्टेंगल इसका नाम रखते हैं, यही हमारी डेटा टाइप रेक्टेंगल है। इसकी सबसे पहले हाइट सेट करते हैं जिस U32, विड्थ देते हैं इसको जिस U32। अब यहाँ पे हम अपना इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक लिखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन किसके लिए कर रहे हैं, रेक्टेंगल डेटा टाइप के लिए कर रहे हैं। रेक्टेंगल डेटा टाइप के लिए हमने इम्प्लीमेंटेशन का ब्लॉक ओपन किया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अपने मेथड का नेम लिखेंगे एफ एन कीवर्ड के साथ जिस एरिया, और हम सेल्फ का कीवर्ड, जिस तरीके से हमें पता है कि मेथड में हमेशा सेल्फ का कीवर्ड होता है, पहला जो हम पैरामीटर लेंगे वो हम हमेशा सेल्फ ही लेंगे, और ये रिटर्न क्या करेगा, U32 टाइप। अच्छा, ये सारी एग्जांपल्स बुक की ही एग्जांपल्स हैं, इनको कराने का मकसद ये है ताकि जब आप बुक पढ़ें तो आपको इजीली समझ में आए, इजीली ग्रैप्स कर सकें, क्योंकि दीज कॉन्सेप्ट्स आर न्यू एंड आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको ग्रैप्स करने में। अब हम लोग क्या कहते हैं कि सेल्फ के अंदर मेरे पास क्या है, अब जब हम नीचे इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे फिर हम देखेंगे कि सेल्फ के अंदर क्या है। अभी हम लिखते हैं सेल्फ डॉट विड्थ मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट हाइट। अच्छा, इसके आगे मैंने टर्मिनेटर नहीं लगाया तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि एक्सप्रेशन है विच विल रिटर्न इट्स वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का नाम रख देते हैं rec1 और इसकी डेटा टाइप रख देते हैं रेक्टेंगल, और इसमें हम क्या इनिशलाइज करा देते हैं, हाइट, और हाइट हम 100 रख देते हैं इसकी, और विड्थ हम इसकी 50 रख देते हैं। अब क्या करेंगे, हम करते हैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं रिजल्ट के नाम से। अच्छा, ये काम बगैर वेरिएबल बनाए भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चरल और थोड़ा सा जो है हम अपना मेंटेनेबल कोड करने के लिए इस तरीके से काम कर रहे हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया, अब इस वेरिएबल में हम क्या चीज़ स्टोर करा देंगे, एरिया डॉट हमने सॉरी हम क्या इस वेरिएबल में हम क्या करवा देंगे, अपना rec1 यानी ऑब्जेक्ट डॉट एरिया। अब इधर हो क्या रहा है, जैसे मैंने rec1 डॉट एरिया लिखा ना तो rec1 क्या है, मेरे पास ऑब्जेक्ट है। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल हुआ, कंपाइलर ने देखा इधर आ गया, कंपाइलर ने देखा भाई rec1 के अंदर मेरे पास क्या क्या चीज़ है, कंपाइलर ने देखा मेरे पास हाइट है और मेरे पास विड्थ है। तो सेल्फ के अंदर पूरा का पूरा क्या सेट हो गया, जाके rec1 सेट हो गया, फिर यहाँ rec1 डॉट विड्थ और यहाँ पे rec1 डॉट हाइट हो ये रहा है। असल में हमारा काम ऑप्टिमाइज कैसे हो रहा है कि हमें rec1 बार बार नहीं लिखना पड़ रहा, हम सिर्फ सेल्फ लगाएंगे, सेल्फ की मदद से जो भी इस वक्त ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है मेथड को उसकी वैल्यू इस मेथड में चले जाएंगी। तो अब हम रिजल्ट को प्रिंट करा के देखते हैं, हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो इसने हमें आंसर दे दिया, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 5000। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और इंस्टेंस बना लेते हैं, यानी एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस भी कहते हैं, और रेक्टेंगल डॉट
हाइट 100, वेट इसकी 10 कर देते हैं, और इसकी हाइट भी चेंज करके इसे करते हैं 90 कर देते हैं। अब इस मेथड को दोबारा कॉल करते हैं, एरिया के मेथड को किधर कॉल करते हैं, अब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर सकते हैं, लेकिन उस ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप हमारे पास सेम होनी चाहिए, जैसे कि इसमें हमें दिख रहा है कि रेक्टेंगल है दोनों ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप। तो हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट वन, क्या कर देंगे रेक टू डॉट एरिया। तो अब एरिया के पैरामीटर पे क्या जाके सेट होगा, सपोज के यहाँ तक प्रोग्राम रन हो गया, यहाँ तक प्रोग्राम रन हो गया, अब क्या होगा, जैसे इस लाइन पे आएगा तो अब एरिया के मेथड में क्या जाके सेट होगा, जो रेक टू के मेरे पास वैल्यू है, यानी पूरा का पूरा रेक टू जाके सेट हो जाएगा सेल्फ पे, और फिर हमारे पास क्या होगा, सेल्फ डॉट विड्थ जब करूँगा तो मेरे पास किसकी विड्थ आएगी, मेरे पास रेक टू की विड्थ आएगी यानी 10। फिर जब मैं सेल्फ डॉट हाइट करूँगा यहाँ पे तो मेरे पास किसकी हाइट आएगी, क्योंकि रेक टू पे एरिया का फंक्शन, रेक टू पे एरिया का मेथड कॉल हुआ है, तो मेरे पास यहाँ हाइट आएगी 90। तो इस तरीके से हमारे पास हमारा काम ऑप्टिमाइज हो रहा है, हमें बार बार सेल्फ के साथ उसकी डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि हमने इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक में बताया हुआ है कि भाई ये जो भी मैं काम कर रहा हूँ ये रेक्टेंगल की डेटा टाइप पे इम्प्लीमेंट होगा। और दूसरा हमने क्या चीज़ देखी, दूसरा हमने ये देखा कि जब भी हम मेथड्स बनाते हैं तो मेथड से होता क्या है कि एक स्पेसिफिक डेटा टाइप है, जैसे हमने बात करी थी अपनी कार की, जैसे हमने फरारी की बात करी थी, तो उसमें क्या बात करी थी कि उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। अब मैं उसके फंक्शन भी बना सकता हूँ, लेकिन क्या होगा कि एक फंक्शन कहीं और लिखा हुआ है, एक फंक्शन कहीं और लिखा हुआ है, दूसरा फंक्शन कहीं और लिखा हुआ है, तो ये स्कैटर्ड होंगे। मैं क्या करूँगा, फरारी की डेटा टाइप बनाऊँगा, फरारी की डेटा टाइप में मैं सारे उसके बिहेवियर लिस्ट डाउन कर दूँगा। तो क्या होगा, अब जो दूसरा देखने वाला है मेरा कोड, उसको वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल ऑर्गेनाइज लगेगा, क्योंकि मैं एक ही ट्री के अंदर उसकी सब ब्रांचेस अकोमोडेट कर रहा हूँ, मैं इधर उधर अपना कोड स्कैटर नहीं कर रहा। इधर भी मैंने रेक्टेंगल का जब भी मैंने मेथड बनाया, जैसे कि एरिया बनाया, इसके बाद में अगर कोई और मेथड बनाना चाहूँ तो इसी इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक के अंदर बना लूँगा। तो इससे होगा क्या, इससे होगा है कि मेरा कोड वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। अब इस एग्जांपल को हम रन करके देखते हैं और देखते हैं कि रेक टू के हमारे पास, जब हमने रेक टू के ऑब्जेक्ट पर हमने एरिया का मैथड कॉल किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया। हम ये लाइन कॉपी करते हैं, यहाँ कर देते हैं रिजल्ट वन, तो यहाँ द एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल इज 900। क्यों, 90 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 900। अभी तक हमने देखा कि हमने मेथड के जो हमारे पास पैरामीटर था उसमें हमने सिर्फ एक पैरामीटर सेंड किया था जो कि सेल्फ था। हमेशा पहला पैरामीटर मेथड में सेल्फ ही होता है। अगर हमें सेल्फ के अलावा कोई पैरामीटर सेंड करना हो, यानी मल्टीपल पैरामीटर सेंड करने हो मेथड के अंदर, तो वो किस तरीके से हम करेंगे। तो आइए चलते हैं कोड में और फिर कोड में देखते हैं कि वो किस तरह से होगा। सबसे पहले हम अपना स्ट्रक्ट बनाएंगे भाई रेक्टेंगल का, हाइट सेट करेंगे इसके अंदर, विड्थ सेट करेंगे इसके अंदर, फिर मेन का फंक्शन बना देते हैं, इसके अंदर हम कॉलिंग करेंगे अपनी, और यहाँ क्या बनाते हैं, यहाँ हम इम्प्लीमेंटेशन का ब्लॉक बनाते हैं, जिस तरीके से हम पहले देख चुके हैं। इम्प्लीमेंटेशन का ब्लॉक किस लिए होता है, इम्प्लीमेंटेशन का ब्लॉक इसलिए होता है ताकि वो बता सके मेथड्स को कि मेरे पास जो डेटा टाइप है ये सारे मेथड्स उसके लिए। अब यहाँ पे मैं दोबारा मेथड लिख रहा हूँ अपना, कौन सा मेथड लिखेंगे अब हम एक मेथड लिखते हैं जो कि ये डिक्लेयर करेगा कि क्या एक रेक्टेंगल दूसरे को अकोमोडेट कर सकता है। जैसे हमारे पास बॉक्सेस होते हैं, हम क्या करते हैं कि एक बड़ा सा बॉक्स है उसके अंदर एक छोटा बॉक्स रख दिया, फिर एक और छोटा बॉक्स रख दिया, तो हमारे पास ये लेवल ऑफ हायरार्की हो जाती है। मतलब कि अगर हमारे पास कोई बड़ा बॉक्स है तो उसके अंदर छोटा बॉक्स अकोमोडेट हो सकता है। तो सिमिलर प्रोग्राम यहाँ बनाते हैं जो बताएगा कि आइदर मेरे पास जो बॉक्स रखा हुआ है
वो पहले वाले बॉक्स में रख सकता हूँ, अगर छोटा होगा तो रख सकता हूँ, अगर बड़ा होगा पहले वाले बॉक्स से तो दूसरा वाला बॉक्स उस पहले वाले बॉक्स में नहीं रख सकता। तो यही हम कोट करते हैं। तो बिल्कुल बुक वाला नाम रखते हैं इसका कैन होल्ड। और यहाँ पे पहला पैरामीटर विल ऑलवेज बी सेल्फ, और इसका दूसरा पैरामीटर क्या रखते हैं, दूसरा पैरामीटर हम ए रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, हम बुक वाला रखेंगे, अदर रखते हैं हम। और इसकी डेटा टाइप, अब मुझे यहाँ डेटा टाइप बतानी पड़ेगी, क्यों बतानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास अदर जो है वो रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कीवर्ड नहीं है, वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हम रेक्टेंगल लिखेंगे और यहाँ पे हम बता देंगे कि आया वो पहले वाले बॉक्स में अकोमोडेट हो सकता है दूसरा वाला बॉक्स या नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, अभी इस मेथड की ना लॉजिक हम बाद में लिखेंगे। हम जो है ना तीन बॉक्सेस रखते हैं, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स। पहला बॉक्स सबसे बड़ा है, दूसरा बॉक्स उससे छोटा है, तीसरा बॉक्स सबसे छोटा है। तो हम पहला बॉक्स रखते हैं और उस मतलब बॉक्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। रैक वन इज़ फर्स्ट बॉक्स, रैक टू इज़ सेकेंड बॉक्स, रैक थ्री इज़ थर्ड बॉक्स। तो हम रैक वन सेट करते हैं रेक्टेंगल और इसकी हाइट सेट करते हैं 100, इसकी विड्थ सेट करते हैं 50। इसी तरीके से हम अपने तीन रेक्टेंगल्स क्रिएट कर लेते हैं, इसको रैक टू कह देते हैं, इसको रैक थ्री कर देते हैं। रेक्टेंगल टू जैसे हमने डिस्कस किया था कि पहले वाले रेक्टेंगल से छोटा होगा, तो इसको 90 कर देते हैं और इसकी विड्थ 40 कर देते हैं। और फिर हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास तीसरा बॉक्स होगा वो दूसरे बॉक्स से छोटा होगा, अल्टीमेटली वो पहले वाले बॉक्स से भी छोटा होगा, इसको हम कर देते हैं 70 और इसको हम कर देते हैं 30। अब क्या करते हैं, अब ये करते हैं कि फंक्शन कॉलिंग करते हैं, हम करते हैं लेट रिजल्ट इक्वल टू। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, अब हम मेथड कॉलिंग करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे रिजल्ट। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आप वेरिएबल बना के ही करें, आप डायरेक्ट प्रिंट एलन के मैक्रो में भी अपना जो है मेथड कॉल करा सकते हैं, हम देखेंगे वो किस तरीके से कराएंगे। फिलहाल अभी हम वेरिएबल में अपना मेथड का जो भी रिज़ल्ट आएगा वो सेव करा रहे हैं और फिर उस वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, rec1.area rec1.canhold, और यहाँ पे मैं क्या पास करा देता हूँ, यहाँ मैं पास करा देता हूँ rec2 को। अब ये लाइन मुझे क्या बोल रही है, ये लाइन मुझे बोल रही है कि कैन रैक वन होल्ड रैक टू। क्या रैक वन होल्ड कर सकता है रैक टू को, किस तरीके से, कि जब मैंने रैक वन डॉट कैन होल्ड लिखा ना तो सेल्फ में क्या जाएगा, सेल्फ में हमेशा वो चीज़ जाएगी जो जिसके ऊपर मेथड कॉल हुआ है। अब यहाँ किसके ऊपर मेथड कॉल हुआ है, यहाँ रैक वन के ऊपर मेथड कॉल हुआ है, तो हमारे पास सेल्फ के कीवर्ड के अंदर क्या वैल्यूज जाएंगी जो रैक वन से एसोसिएट है, यानी हमारे पास 100 और 50 जाएगा सेल्फ के अंदर। और हमारे पास कैन होल्ड जो हमारे पास मेथड है उसके अंदर जो पैरामीटर है अदर का पैरामीटर, उसके अंदर क्या जाएगा, रैक टू की वैल्यूज जाएंगी। तो रैक टू की क्या वैल्यूज जाएंगी अधर के अंदर, अधर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कौन सी वैल्यू जाएंगी, 90 और 40। तो हम यहाँ लिखते हैं सेल्फ डॉट हाइट। सेल्फ डॉट हाइट का मतलब क्या, रैक वन क्योंकि ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कैन होल्ड का मेथड कॉल हुआ है, तो वहाँ रैक वन की हाइट जाएगी, यानी सेल्फ के पास क्या आएगा, जब मैं सेल्फ डॉट हाइट लिखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 100। मैं चेक करूँगा कि सेल्फ डॉट हाइट इज़ ग्रेटर देन अधर डॉट हाइट। अदर डॉट हाइट के अंदर क्या आएगा, अदर डॉट हाइट के अंदर मेरे पास आएगा रैक टू की हाइट, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या सेंड कर रहा हूँ, अपना एक पैरामीटर सेंड कर रहा हूँ रैक टू का।
उसके बाद मैं एंड लगाऊंगा, एंड लगाने के बाद सेल्फ डॉट विथ इज ग्रेटर देन सेल्फ डॉट अदर डॉट विथ। सेल्फ डॉट विथ के अंदर मेरे पास 50 होगा और अदर डॉट विथ के अंदर मेरे पास 40 होगा। अब अगर ये लाइन ट्रू होगी तो मेरे पास ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अगर ये लाइन फॉल्स होगी तो मेरे पास फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे हम कंपाइलर, इस कंपाइलर की तरह इसको रन करके देखते हैं कि सेल्फ डॉट हाइट के अंदर मेरे पास आएगा 100, 100 इज ग्रेटर देन अदर डॉट हाइट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, अदर डॉट हाइट के अंदर हमारे पास आएगा 90। और यहाँ पे हम एंड लिखेंगे, एंड के बाद हमारे पास क्या आएगा, सेल्फ डॉट विथ के अंदर हमारे पास क्या आएगा 50 इज ग्रेटर देन अदर डॉट विथ के अंदर हमारे पास क्या आएगा 40। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये कंडीशन तो ट्रू है क्योंकि 100 यस 100 इज ग्रेटर देन 90। हम यहाँ एंड लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज ऑल्सो ट्रू क्योंकि 50 इज ग्रेटर देन 40। अब एंड का जो हमारे पास सिंबल है वो करता क्या है, बेसिकली ये लॉजिकल ऑपरेटर है। एंड के लिए ज़रूरी है हमारे पास, अच्छा अब यहाँ से रिजल्ट क्या रिटर्न होगा, ट्रू रिटर्न होगा। क्यों ट्रू रिटर्न होगा, क्योंकि हमारे पास दोनों ट्रू हैं। अब एंड में क्या होता है, एंड में हमारे पास दोनों ट्रू होना लाजमी है, अगर एक भी फॉल्स होगा ना तब हमारे पास पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अभी तो यहाँ से मेरे पास ट्रू रिटर्न हो जाएगा, यानी यहाँ बुलियन में क्या आएगा, ट्रू वैल्यू आएगी। लेट सपोज के मेरे पास एक कंडीशन तो ट्रू होती, फिर एंड लगा हुआ होता, फिर होता कुछ यूँ कि यहाँ फॉल्स आ जाता। लेट सपोज के यहाँ मैं लिख देता, बहुत छोटी वैल्यू लिख देता 20 कोई ऐसी, मैं सिर्फ इस वक्त लॉजिकल ऑपरेटर एंड समझा रहा हूँ। 20 इज ग्रेटर देन 40, नॉट इट्स नॉट ग्रेटर देन 40, तो ये छोटा है 40 से तो यहाँ फॉल्स आ जाएगा। अब ट्रू और फॉल्स है मेरे पास और बीच में कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है, एंड का ऑपरेटर। एंड का ऑपरेटर क्या करेगा, उसको दोनों ट्रू चाहिए, जिन दोनों को बीच में लगा हुआ है उसको दोनों ट्रू चाहिए तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एक भी फॉल्स है तो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये बेसिकली एंड ऑपरेटर है, अपनी एग्जांपल को वैसे ही सही कर लेते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि हमारे पास ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ हम प्रिंट करा के देख लेते हैं, या हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है ट्रू या फॉल्स उसको प्रिंट करा लेते हैं। और यहाँ हम अपना फंक्शन, तो यह क्या इसने बोला, रेक वन कैन होल्ड रेक टू इज इक्वल टू ट्रू। हम यही काम रेक थ्री के साथ करते हैं। अब रेक थ्री, जब हम रेक थ्री के लिए ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो इसको क्या करते हैं, किसी वेरिएबल में सेव नहीं कराते। अब हम इसको डायरेक्ट प्रिंट एलन के मैक्रो में कर लेते हैं। क्या करते हैं, रेक वन कैन होल्ड रेक टू, यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, रेक वन डॉट जो ऑब्जेक्ट है हमारा, यानी इसके ये इसकी जो भी वैल्यूज होंगी वो कहाँ जाके सेट होंगी, सेल्फ वाले पैरामीटर में। फिर हम लिखेंगे कैन होल्ड और इसके अंदर हम क्या पैरामीटर दे देंगे, अधर पे रैक थ्री। तो हमारे पास क्या है, रैक वन कैन होल्ड रैक थ्री। हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक का एक और यूजफुल फीचर जिसको हम कहते हैं एसोसिएटेड फंक्शन। यानी इससे पहले हमने इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक के अंदर मेथड सिर्फ डिफाइन किए थे, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे कि हम फंक्शन डिफाइन करते हैं।
इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक के अंदर हम फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, ये एक इसका यूजफुल फीचर है। तो आइए हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम अपना स्ट्रक्ट बनाते हैं रेक्टेंगल का, और इसकी हाइट देते हैं इसको 32, विड्थ देते हैं इसको U32। यह हम एफ एन मेन बनाते हैं, यह हम इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक लिखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक हम डेटा टाइप अपनी जो हमने ली है रेक्टेंगल उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इस दफ़ा हम मेथड पे नहीं करेंगे, इस दफ़ा हम फंक्शन पे करेंगे। इस फंक्शन का नाम हम रखते हैं स्क्वायर, और ये एक हमारे पास पैरामीटर ले रही होगी U32 टाइप का, और एक डेटा टाइप रिटर्न कर रही होगी। बेसिकली जब भी हम एसोसिएटेड फंक्शंस बनाते हैं तो एसोसिएटेड फंक्शंस बनाते ही क्यों हैं? इसलिए मोस्ट प्रोबेबली 90% या 95% केसेस में हमारे पास एसोसिएटेड फंक्शन इसलिए बनाए जाते हैं जब हमें कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी होती है, यानी एज अ कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। लेट सपोज के मेरे पास कोई भी एक टाइप है जिसका कोई ऑब्जेक्ट है। अब उस ऑब्जेक्ट को मुझे इनिशियलाइज़ कराना है। अभी तक मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ इनिशियलाइज़ कराया था? मैं एफ एन मेन के अंदर ही इनिशियलाइज़ कराता था, यानी रेक वन इज इक्वल टू रेक्टेंगल, और फिर मैं कर्ली ब्रेसेस ओपन करता था, उसके अंदर हाइट इज इक्वल टू 100 लिख देता था और विड्थ इज इक्वल टू 50 लिख देता था। यानी ये मैं इनिशियलाइज़ कहाँ करा रहा था? एफ एन मेन के अंदर। अब यही काम मुझे किसी फंक्शन के अंदर कराना हो तो उसको मैं क्या कहूँगा? उसको मैं कहूँगा एसोसिएटेड फंक्शन, या उसको मैं कहूँगा कंस्ट्रक्टर। एसोसिएटेड फंक्शन मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये फंक्शन किसके साथ एसोसिएटेड है? रेक्टेंगल की डेटा टाइप के साथ एसोसिएट है, इसलिए इसको एसोसिएटेड फंक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या रिटर्न करेगी? ये जो हमारे पास फंक्शन है एसोसिएटेड फंक्शन जिसका नाम स्क्वायर है, ये हमारे पास रिटर्न करेगी एक डेटा टाइप। हम इस फंक्शन के अंदर उस डेटा टाइप को इनिशियलाइज़ करेंगे, और जब इनिशियलाइज़ कर देंगे तो हम क्या करेंगे? उस डेटा टाइप को रिटर्न कर देंगे, ताकि जो हमारे पास कॉलिंग फंक्शन है उसके अंदर हम ये वैल्यू यूज़ कर सकें। तो हमारे पास डेटा टाइप क्या रिटर्न होगी? जैसे हम U32 कराते थे, F64 कराते थे रिटर्न, या हमारी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हम रिटर्न कराएंगे जिसका नाम रेक्टेंगल है, और नीचे हम रेक्टेंगल को इनिशियलाइज़ करा देते हैं। विड्थ पहले इसकी हाइट सेट करते हैं, साइज और विड्थ सेट करते हैं साइज। हमने हाइट और विड्थ दोनों सेम रखी हैं क्योंकि स्क्वायर इज़ अ टाइप ऑफ अ रेक्टेंगल, और ऐसे टाइप का रेक्टेंगल होता है स्क्वायर जिसकी दोनों साइडें बराबर होती हैं, यानी चारों साइडें अप डाउन लेफ्ट और राइट सारी साइड्स इसकी बराबर होती हैं। तो अब हम एफ एन मेन के अंदर इसको यूज़ करते हैं। हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले यहाँ पे एक कंटेनर बनाएंगे। कंटेनर बनाने के बाद हम यहाँ लिखेंगे रेक्टेंगल। अब मैं सिंटैक्स बता रहा हूँ, ये हम डबल कॉलन लगाएंगे, यानी हम नेम स्पेस करेंगे, और यहाँ लिखेंगे स्क्वायर, और इसके अंदर मैं क्या दे दूंगा साइज इसका? इसका साइज़ दे दूंगा मैं सपोज़ 8, और प्रिंट करा लूँगा मैं रिज़ल्ट को। यहाँ पे मैं अपनी ये नोटेशन लिख दूँ। यहाँ फंक्शन रन करा देते हैं। तो मेरे पास क्या है? रेक्टेंगल हाइट इज इक्वल टू 8, विड्थ इज इक्वल टू 8। अच्छा, ये मैंने जो डबल कॉलन यूज किया है इसको कहते हैं नेम स्पेसिंग। नेम स्पेसिंग के लिए बेसिकली ये यूज होता है, और एसोसिएटेड फंक्शन में भी ये यूज होता है। नेम स्पेसिंग का बेसिक कॉन्टेक्स्ट हम ऐसे ले सकते हैं कि लेट सपोज आपकी सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर फोल्डर वन है,
फोल्डर वन के अंदर आपके पास गूगल क्रोम का जो ब्राउज़र है उसका सेटअप है। तो अब जो गूगल क्रोम है मेरे पास, वो नेम स्पेस किस पे हुआ हुआ है? सी फोल्डर वन और फिर गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम का नेम स्पेस क्या है? ये पूरा जो मैंने आपको बताया, ये गूगल क्रोम का नेम स्पेस है। तो स्क्वायर का नेम स्पेस क्या है? स्क्वायर का नेम स्पेस क्या है? रेक्टेंगल है, यानी रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर लाया कर रहा है। तो ये बेसिक इसकी एनालॉजी है नेम स्पेसिंग की। यहाँ पे हमारे पास, हमने क्या करा कि जो भी हमारे पास रिटर्न होगा, इधर से क्या रिटर्न होगा? रेक्टेंगल। फिर हमने नेम स्पेसिंग करी डबल कॉलन के साथ। डबल कॉलन के बाद हमने स्क्वायर लिखा, जो हमारे फंक्शन का नाम है, और ये एक पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि साइज़ का था। अब साइज़ में हमने क्या आर्ग्यूमेंट सेंड किया? 8 आर्ग्यूमेंट सेंड किया। ये इधर आके सेट हो जाएगा, साइज़ यहाँ पे 8 आ जाएगा, यानी हमारे पास हाइट क्या सेट हो जाएगी? 8, और विड्थ हमारे पास सेट हो जाएगी 8, और ये पूरा का पूरा हमारे पास इसी तरीके से रिटर्न हो जाएगा किधर? रिजल्ट के कंटेनर में। और जब हमने रिजल्ट को प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास हाइट हाइट भी प्रिंट हो जाएगी और विड्थ भी प्रिंट हो जाएगी। हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास सारे मेथड्स जो कि एक डेटा टाइप से एसोसिएट है, वो हम एक ही इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक के अंदर लिखें। जैसे कि हमने इससे पहली वाली एग्जांपल में कैन होल्ड का मेथड बनाया था, और उससे पहली वाली एग्जांपल में एरिया का मेथड बनाया था। तो हम, क्योंकि ये दोनों मेथड्स किस पे अप्लाई हो रहे हैं? रेक्टेंगल डेटा टाइप पे अप्लाई हो रहे हैं, तो हमने इनको क्या करा? एक ही इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक के अंदर लिख दिया। तो यही अप्रोच जो है वो ठीक है। और अब हम क्या करेंगे? हम ये भी कर सकते हैं कि हमने यहाँ से इसको कट किया, नया इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक बनाया रेक्टेंगल के ही नाम से, और उसके अंदर हमने अपना दूसरा मेथड रख दिया। यानी हर मेथड के लिए मैं नया इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक क्रिएट कर रहा हूँ। तो अब इसको रन करके देखते हैं। इसने सर्टेन वार्निंग्स दी, लेकिन ये बिल्कुल हमारे पास प्रॉपरली चल गया। यानी ये बिल्कुल प्रॉपरली चल रहा है, सिर्फ वार्निंग्स दे रहा है कि आपने जो मेथड्स बनाए हुए उनको कहीं यूज़ नहीं किया, ये सारी वार्निंग है। तो हमने देखा कि मेथड्स में हमारे पास सेवरल मेथड्स हैं, तो उनको हर मेथड को के लिए अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपके पास 10 मेथड्स हैं और वो 10 मेथड्स एक ही डेटा टाइप से एसोसिएट हैं, तो आप सिर्फ एक इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक बनाए उस डेटा टाइप का और उसके अंदर वो 10 मेथड रख दें। जिस तरह की हमने एग्जाम्पल करी, इस तरीके से सुटेबल नहीं है करना। हम इसको वापस वैसे ही कर देते हैं और फिर इसको रन करके देखते हैं। हमने अपनी एग्जाम्पल को वापस वैसे ही कर दिया, यानी एक ही इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक है और ये दोनों मेथड्स एक ही डेटा टाइप पे हमारे पास अप्लाई हो रहे हैं। तो फिर हमें सर्टेन वार्निंग्स दी, इसको रन करेंगे तो कोई एरर नहीं आया, बिल्कुल सही रन हो गया। अच्छा, ये जो हमारे पास वार्निंग्स है इनको भी एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। ये क्या बोल रहा है? मेथड इज़ नेवर यूज्ड, मेथड इज़ नेवर यूज्ड। यानी कंपाइलर इतना स्ट्रांग है कि हमने अगर मेथड यूज़ नहीं किए तो वो हमें बता रहे हैं कि आपने एक मेथड बनाया है और वो आपने कहीं प्रोग्राम में यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमने एफ एंड मेन में कोई यूज़ नहीं कर रहे ना। हम तो सिर्फ ये समझ रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक बना सकते हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं है। तो हमने एफ एंड मेन में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि अभी हमारा जो मेन मकसद है वो इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक को समझना है। तो हमारे पास कंपाइलर क्या बोल रहा है कि आपने जो ऊपर मेथड बनाया हुआ है ना, वो आपने एफ एंड मेन में यूज़ नहीं किया, या कहीं आपने यूज़ नहीं किया, तो आपने बनाया हुआ ही क्यों है वो? तो ये हमारे पास कंपाइलर हमें दे रहा है। हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है, और हमने इसमें क्या डिस्कस किया था? स्ट्रक्ट्स को, और इसी तरीके से स्ट्रक्ट से एसोसिएट काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करी हैं। अब हम चलेंगे चैप्टर 10 की तरफ, और चैप्टर 10 में हम 10.2 स्टार्ट करेंगे, और 10.2 में देखेंगे कि हम ट्रेड्स किस तरह यूज़ करते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात याद रहे कि स्ट्रक्ट जो है ना, वो हमारे पास, हमने देखा कि क्यों ज़रूरी होता है। जब हमें कोई कस्टम डेटा टाइप बनानी होती है, कोई यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बनानी होती है, तब ज़रूरी होता है। ईनम का भी यही काम है सिमिलर। तो स्ट्रक्ट ही देते रेस्ट वाले, उन्होंने ईनम क्यों दिया? अच्छा, इसकी
वैसे जब आप इनम पढ़ेंगे तो इसकी वजूहात आपको समझ आएंगी, लेकिन इसमें बेसिक डिफरेंस ये कि जब आप, जैसे हमने स्ट्रक्ट डिफाइन किया था ना, जैसे हमारे पास स्ट्रक्ट था हाइट और विड्थ का, अगर हम उसमें सिर्फ हाइट सेट कर दें और विड्थ सेट ना करें, यानी सिर्फ हाइट सेट कर दें और विड्थ सेट ना करें, तो हमारे पास एरर आएगा। अगर यही हमारे पास इनम होता, यानी एक इनम होता रेक्टेंगल का, और उसमें फील्ड क्या होती, उसमें एक फील्ड होती हमारे पास हाइट की और एक विड्थ की, जब मैं इसको इनिशियलाइज कर रहा होता, यानी जब मैं इसको ऑब्जेक्ट बना रहा होता, मैं क्या लिखता, लेट रेक वन इज इक्वल टू हाइट और विड्थ ना देता इनम के केस में, तो कोई कंपाइलर एरर नहीं आता, बिल्कुल चल जाता। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है इनम और स्ट्रक्ट में, और जिस तरीके से मेमोरी में स्टोर होते वो भी डिफरेंट है। स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट थोड़ी सी ज़्यादा जगह लेता है मेमोरी में, और इनम स्ट्रक्ट के मुकाबले में थोड़ी सी कम जगह लेती है मेमोरी में। अगर आपको कोई फीडबैक है तो दीज आर द लिंक्स, यू कैन गो हेयर एंड गिव योर फीडबैक, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस सो यू कैन आस्क देम टू। थैंक यू। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूज़र इनपुट, रस्ट में यूज़र इनपुट किस तरीके से लिया जाता है। तो चलिए कोड पे, हम अपना प्रोजेक्ट खोलते हैं, कोड के अंदर सबसे पहले एक स्ट्रिंग लेते हैं जो कि म्यूटेबल टाइप का होगा। ये स्ट्रिंग कॉलन कॉलन न्यू, ये क्या है, ये एक हमारे पास एसोसिएटेड फंक्शन है, जो कॉलन कॉलन न्यू है ना, दिस इज एन एसोसिएटेड फंक्शन। और यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज अ टाइप, जैसे हमने रेक्टेंगल टाइप पे एक एसोसिएटेड फंक्शन लगाया था साइज का, इसी तरीके से हमने स्ट्रिंग टाइप पे एसोसिएटेड फंक्शन लगाया न्यू का। बेसिकली ये स्ट्रिंग कॉलन कॉलन न्यू कर क्या रहा है, ये एक हमें एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर रहा है, एम्प्टी स्ट्रिंग का इंस्टेंस पास कर रहा है, और एस फिर उस एम्प्टी इंस्टेंस से इनिशियलाइज हो रहा है। आगे देखते हैं, आगे हम प्रिल्यूड की बात करेंगे, प्रिल्यूड क्या होता है और प्रिल्यूड ज़रूरी क्यों होता है, उसमें हम क्या चीज़ें ऐड करते हैं जिनसे फिर हम अपने अपने जो हमें यूज़ करना होता है कोड में, उससे कैसे मदद लेते हैं। जो हमारा स्टार्टिंग होती है उसमें हम लिखते हैं यूज़ का कीवर्ड, यूज़ एक कीवर्ड है, और हमें क्या काम है, इनपुट आउटपुट का काम है, यहाँ पे आयो का काम है। तो एक आयो लाइब्रेरी है, किसके अंदर मौजूद है, स्टैंडर्ड क्रिएट के अंदर मौजूद है। स्टैंडर्ड क्रिएट का STD इज़ अ शॉर्ट फॉर्म, और यहाँ पर हम आयो लिख देंगे, यानी हम स्टैंडर्ड क्रिएट से आयो की लाइब्रेरी एक्सेस कर रहे हैं। नीचे चलते हैं कोड में और देखते हैं। ये हम आयो लिखेंगे, नेम स्पेस करेंगे STDIN। ये STDIN एक मेथड है जो कि एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। वो ऑब्जेक्ट किसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, जो भी हम कंसोल में टाइप कर रहे हैं ना उसको पॉइंट आउट कर रहा होगा। और इस ऑब्जेक्ट पे फिर हम एक और मेथड लगाएंगे जो कि रीड लाइन का होगा। ये जो मैं रीड लाइन का मेथड लगा रहा हूँ, ये मैं STDIN पे नहीं लगा रहा, ये मैं उस पर लगा रहा हूँ जो STDIN रिटर्न कर रहा है। जाहिर सी बात है वो हमें दिख नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन इम्प्लिसिटली रस्ट का जो कंपाइलर है वो STDIN से एक रिटर्न वैल्यू लेगा, जिसके ऊपर मैं रीड लाइन का फंक्शन लगाऊंगा। और रीड लाइन के फंक्शन में मैं क्या पैरामीटर लूंगा, जो मैंने ऊपर क्रिएट किया अपना स्ट्रिंग, यानी अब मेरा जो एस स्ट्रिंग था वो एम्प्टी था। अब मैं क्या कह रहा हूँ इस लाइन में कि मेरे एस स्ट्रिंग में वो चीज़ डाल दीजिए जो कि अभी अभी यूज़र ने कंसोल में इनपुट किया है। और ये रीड लाइन का मेथड एक पैरामीटर ले रहा है जैसे कि हमें दिख रहा है मट एस, और इसके आगे इससे पहले जो है हमने एम्परसेंड का साइन लगाया हुआ है, इसका मतलब ये कि हम इसको म्यूटेबली बोरो दे रहे हैं, इसकी ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र कर रहे फंक्शन को। और यहाँ एक और बात कि जो ये रीड लाइन का फंक्शन है, ये रीड लाइन का फंक्शन एक हमारे पास टाइप रिटर्न करता है, वो टाइप क्या होती है, उसको कहते हैं रिजल्ट टाइप। हम आगे पढ़ेंगे इनम्स के बारे में तो हम उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट टाइप क्या होती है। तो रिजल्ट टाइप के हमारे पास दो वेरिएंट्स होते हैं, एक एरर और एक ओके। अगर एरर आएगा तो हम एक स्पेसिफिक लाइन चलाएंगे, अगर एरर नहीं आएगा, अगर हमारे पास ओके होगा तो हम वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेंगे और हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो है वो कंटिन्यूस रहेगा।
अगर एरर आएगा तो हमारे पास कौन सी लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, जो हम एक्सपेक्ट के क्लॉज में लिखेंगे। यहाँ पे हमारा पूरा यूज़र इनपुट का काम ख़त्म हो गया है। अब हम अपना जो हमने यूज़र इनपुट किया उसको प्रिंट करा लेते हैं अपने कंसोल पे। हमारा जो यूज़र इनपुट है वो किस वेरिएबल में, वो एस वेरिएबल में, और हम यहाँ पे एस को प्रिंट करा रहे हैं। हम यहाँ लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, तो हमारे पास कंसोल पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे एक बात याद रहे, जो भी हम यूज़र से इनपुट लेंगे ना वो हमेशा स्ट्रिंग में आएगी। यहाँ पे एक बात जो नोटिस करने की वो ये है कि जब भी हम इनपुट लेंगे ना तो वो इनपुट आएगा स्ट्रिंग टाइप में। जैसे मैं अगर इनपुट ले रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, तो ये तो मुझे पता है कि ये स्ट्रिंग है। जैसे मैं ले रहा हूँ, अब यूज़र से मैंने पूछी उसकी एज, उसने एज में इनपुट कर दी लेट सपोज 50। तो अब ये जो 50 है ना, इसकी डेटा टाइप इंटेजर नहीं है, इसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग, क्योंकि हमने किसका इंस्टेंस बनाया था ऊपर, स्ट्रिंग कॉलन कॉलन न्यू का इंस्टेंस बनाया था। तो अब इसकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। अगर अब मुझे इस 50 यानी जो मेरे पास एज है उसके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराना हो, कोई मेरे पास इंटेजर वैल्यू पे लेट सपोज जो 50 है उसको मुझे +1 करना हो, 51 करना हो, तो मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि स्ट्रिंग में अगर मैं एडिशन करूँगा 1 का तो रस्ट का कंपाइलर अलाउ नहीं करेगा, मिसमैच टाइप्स हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 50 को जो कि स्ट्रिंग है इंटेजर में पार्स करना पड़ेगा। तो उसका तरीका देखते हैं। हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं एस इंटेजर, और हमारा जो ऊपर वाला एस है यानी जिसमें हमारे पास अभी यूज़र इनपुट वैल्यू है, उस पर हम कौन सा फंक्शन लगाते हैं, ट्रिम का फंक्शन लगाते हैं। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ट्रिम का फंक्शन क्या करता है। उसके बाद हम पार्स का फंक्शन लगाएंगे, और उसके बाद हम एक्सपेक्ट की लाइन जो हमने पहले लिखी थी वो लिख देंगे। यहाँ पे हमने पार्स के साथ डॉट एक्सपेक्ट क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है सिमिलर जैसे ऊपर रीड लाइन के साथ हमने डॉट एक्सपेक्ट का फंक्शन लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि रीड लाइन जो है ना एक टाइप रिटर्न करती है, उस टाइप के दो वेरिएंट्स होते हैं, एक ओके होता है और एक एरर होता है। हमें पता है अगर एरर होगा तो एक्सपेक्ट की चलेगी हमारे पास स्टेटमेंट, और अगर ओके आएगा मेरे पास रिटर्न में तो इसका मतलब है कि मैं अपना प्रोग्राम का फ्लो कंटिन्यू रखूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। सिमिलर इसी तरीके से पार्स का जो मेरे पास यहाँ पे फंक्शन है, ये फंक्शन भी मेरे पास दो वेरिएंट्स रिटर्न करता है, यानी दो वेरिएंट्स रिटर्न कर सकता है, या तो वो ओके रिटर्न करेगा या तो वो एरर रिटर्न करेगा। अगर एरर होगा तो एक्सपेक्ट वाली लाइन चल जाएगी, अगर ओके होगा तो मेरा प्रोग्राम का फ्लो कंटिन्यू होगा। और यहाँ पर हमें जो ट्रिम का फंक्शन दिख रहा है, ट्रिम का फंक्शन बेसिकली ये करता है जो हमारे पास शुरू में और जो हमारे पास आखिर में, स्ट्रिंग के शुरू में और स्ट्रिंग के आखिर में जो भी वाइट स्पेसेस होते हैं, लेट सपोज टैब्स, एंटर्स, ये सारी चीज़ें जो है ट्रिम का फंक्शन रिमूव कर देता है। लेट सपोज मैंने लिखा 50, यूज़र इनपुट में लिखा मैंने 50 और एंटर प्रेस कर दिया, तो अब सिर्फ 50 नहीं है एस में, एस का जो वेरिएबल है उसमें 50 नहीं है, सिर्फ 50 के साथ \n भी है, यानी एंटर भी है, कैरिज रिटर्न भी है। तो अगर मुझे इस \n को हटाना हो, अगर मुझे कैरेज रिटर्न को हटाना हो, स्पेस को हटाना हो, तो क्या करूँगा, मैं डॉट ट्रिम का फंक्शन लगाऊंगा। तो उससे क्या होगा, जो मेरे पास ट्रेलिंग और जो मेरे पास शुरू की जो चीज़ है जो मेरे स्ट्रिंग में नहीं, मेरे स्ट्रिंग की काम की नहीं है, जैसे स्पेसेस हो गए, टैब्स वगैरह हो गए, बैक स्पेसेस हो गए,
तो ये मेरे पास काम की नहीं है, तो ये सारी चीज़ें ट्रिम का फंक्शन हटा देता है और मेरे पास सिर्फ जो मेरे पास स्ट्रिंग होता है, जो जो मीनिंगफुल है, वो मुझे रिटर्न करता है। तो इसलिए ट्रिम का फंक्शन यूज़ होता है। अच्छा, ये जो हमारे पास लाइन है ये अभी कंप्लीट नहीं है, अभी हमें इसमें एनोटेशन लगानी पड़ेगी। हमने पार्स का जो फंक्शन लगाया है, पार्स का फंक्शन क्या करता है, डिफरेंट डेटा टाइप्स में इसको पार्स कर सकता है, यानी i8 में भी कर सकता है, u64 में भी कर सकता है, f32 में भी कर सकता है। तो हमें बताना पड़ेगा स्टेटमेंट में कि पार्स किस डेटा टाइप में किया जाए, तो हम इसको पास कराते हैं u32 में। और अब इस s में इसको हम म्यूटेबल बनाते हैं ताकि हम इस s की वैल्यू चेंज कर सकें। अब हम s अंडरस्कोर इंटेजर में एक वैल्यू ऐड करा देते हैं, इसको प्रिंट करा लेते हैं। लेट सपोज कि मैंने 60 एंटर किया तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 61। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।